हाँ जी <coughs> क्या हाल चाल सब कुशल मंगल ठीक ठाक आई होप सब ज्वाइन कर गए हो <coughs> अच्छा जय गुजरात जय महाराष्ट्र जय दिल्ली जय पंजाब जय हरियाणा जय हिंद चले जी आगे अगर सबकी जय हो चुकी हो तो जो भी डाउट आ रहे हैं बेटा उन सब डाउट्स को मैं अभी एक एक करके हैंडल करता हूं ये बैच क्या है क्यों है कैसा है क्या क्या होगा क्या धमाल होगा इस बैच में सब एक एक करके हैंडल करना शुरू करता हूं मैं पहली बात मैंने बुक का पीडीएफ अभी कुछ दिन पहले भी अपलोड किया था आप में से कईयों ने मतलब ज्यादातर ने तो बुक फिजिकली मंगवा ली है और कुछ लोग अपने आप अपने एंड पे प्रिंटआउट लेने की कह रहे थे मैंने अभी इनिशियली तीन चैप्टर्स का अपलोड किया है मुझे पांच सात दिन देना मैं सारी बुक अपलोड करने वाला हूँ सारी बुक एक ही साथ अपलोड हो जाएगी <coughs> उसके बाद आप जो लोग चाहते हो अपने एंड पे प्रिंटआउट लेना वो अपने एंड पे प्रिंट आउट ले सकते हैं और जो बुक फिजिकली मंगवाना चाहते हो उस टेंशन में नहीं पड़ना चाहते प्रिंट आउट की तो वो फिजिकली वेबसाइट से मंगा सकते हैं ये मैं पहले भी अनाउंसमेंट कई बार कर चुका हूं और उसको देख के बच्चों ने खैर बुक्स वगैरह मंगवा भी, मंगवा भी ली है फास्ट ट्रैक बैच होगा ये एंड हंड्रेड परसेंट सिलेबस को हम लोग टच करेंगे और अच्छे से टच करेंगे टच का मतलब वो वो वाला नहीं नहीं कि खो और एंड uh, अच्छे टच करेंगे अमित कुमार जी मैंने uh, वो कह रहे हैं कि बुक नहीं आया एंड uh, मैंने कहा था कि बुक आएगा बेटा और एक्चुअल में डिस्पैच को हुआ है तो माई टेक अनदर वन और टू डेज क्योंकि थोड़ा सा कोरोना की वजह से थोड़ा सा पब्लिशिंग में और थोड़ा सा एक दो दिन मेरी वजह से डिले हुआ बट फिलहाल एक दो दिन तक आ जाएगा मीनवाल आप पहला चैप्टर जो है कवर कर सकते हैं आराम से मेरे साथ मतलब उसका प्रिंट आउट एटलीस्ट ले सकते हैं या फिर कॉपीज में नोट डाउन कर सकते हैं जो भी होगा हाँ जी आ, कुछ कहते हैं कि सर हमने किसी और फैकल्टी से पहले पढ़ा था तो वही बुक यूज कर सकते हैं मैं कहूंगा कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है आप किसी और फैकल्टी की बुक यूज करना चाहते हैं मतलब बीच में जो रेक्टिफिकेशन होगा डेट यू हैव टू मैनेज ठीक है चले बट ध्यान रखना कि इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं तो मैं कहूंगा कि किसी और फैकल्टी की बुक से भी अच्छा आप स्टडी मटेरियल ले लो अगर आपके पास बुक नहीं है प्रिंट आउट भी नहीं लेना फिजिकल भी नहीं लेना तो बुक ले लेना बाकी आपको जो सूटेबल लगे वो करना मैं आपको कंटेंट करा रहा हूं लॉ का मतलब क्या है वो करा रहा हूं इस बुक के अंदर ये बुक कम है वर्कबुक ज्यादा है तो इन सेंस की इसके अंदर हमने एनालिसिस बहुत की है तो वो करा रहा हूं बाकी आप सबकी इच्छा पहली क्लास में आपको पता लग जाएगा बुक की जरूरत है या नहीं है हाँ जी <coughs> चलो जी चलो 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 चलो, चलो अभी मेरे पास बहुत तेजी से सैस घूम रहा है इस वजह से मैं शायद सारी क्वेरीज नहीं पढ़ पा रहा हूं मगर धीरे धीरे जैसे जैसे आप सेटल डाउन होना शुरू हो जाओगे वैसे वैसे मैं भी क्वेरीज देखना शुरू कर दूंगा बस रुक जाओ रुक जाओ अभी तो कुछ चे... कई भी डाउट होंगे कोई भी डाउट होगा सब धीरे धीरे करके अभी जो भी इस बैच को लेके जो भी डाउट होगा धीरे धीरे करके वो भी मैं आ रहा हूं सर क्या इस बैच के सहारे केवल हम जा सकते हैं बेटा इस बैच में एनालिसिस होगा और अच्छे खासे लेवल का होगा मगर इस बैच में मैं एक चीज बिल्कुल नहीं करूंगा वो करूंगा वो ये कि मैं केवल आपको चार्ट पढ़ाऊं और चार्ट पढ़ा के के बोलूं कि लो बेटा लोटा उठाओ चलो हरिद्वार और जाके बोल आओ हर हर गंगे ये बिल्कुल नहीं करने वाला मैं क्योंकि ये पास होने की निशानी नहीं है आपने इस बार का भी पेपर देखा हो अभी मैंने एक हफ्ता पहले एनालिसिस करके डाला था उस पेपर का उसके अंदर ध्यान रखना आजकल जो पेपर का लेवल वो वो ये है कि आप ऐसे केवल समरी पढ़ के गए चार्ट्स पढ़ के गए और पेपर देने चले गए तो पास नहीं हो सकते आज के लेवल का जो पेपर आ रहा है वो ऐसा है एनालिटिकल पेपर तो उसके लिए आपको एनालिसिस पूरा आना चाहिए तो ये बैच इसीलिए नहीं कर रहा कि मैं कोई फॉर्मेलिटी निभा रहा हूं नहीं ये बैच इसीलिए किया जा रहा है ताकि आपको एनालिसिस सिखाया जा सके कि लॉ का की कैसे होता है ठीक है जी आपसे केवल 20 सेकंड का ब्रेक मांगूंगा मैं बस पानी की बॉटल पकड़ लू मेरा छोटा पोपली पानी की बॉटल लेके आया है 20 सेकंड का ब्रेक लेता हूं बस चलिए नाउ लेट स्टार्ट आपके पेपर का नाम है कॉरपोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ और ये ध्यान रखना कि हम लोग मैं दोबारा बोल दूं हम लोग एनालिसिस पे जम के जोर देंगे मतलब मेन पर्पस होगा एनालिसिस करना कि लॉ का एनालिसिस कैसे किया जाता है आपकी बुक इस हिसाब से बनी हुई है कि उसमें खूब जम के एनालिटिकल आपको देख रहे होंगे स्पेस छूटे हुए हैं अच्छा एक सवाल ये भी दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये बैच की रिकॉर्डिंग कितने दिन तक अवेलेबल रहेगी मैं कहूँगा पाँच मिनट के लिए भी अवेलेबल नहीं रहेगी क्लास खत्म होती मतलब पैसा हजम कहानी ख़त्म पैसा हजम वो वाला हिसाब रहेगा अगर आप लाइव अटेंड कर सकते हो तो अच्छी बात है लाइव अटेंड नहीं कर सकते तो बहुत अच्छी बात है मार्केट में कई बार कई बहुत बढ़िया बढ़िया फैकल्टी हैं उनसे आराम से पैसे खर्च करके लो इस सी बैच की आपको जरूरत नहीं है आप वो वाला बैच ऑप्ट कर सकते हैं दूसरी बैच दूसरी बात इस बैच का जो इवनिंग टाइम रहेगा वो रहेगा 9:15 टू 11:15 से लेकर 11:30 मतलब दो या सवा दो घंटे विदाउट ब्रेक क्लास होगी मॉर्निंग में ये क्लास चलेगी बिल्कुल ये जो मैंने लिया है वो नेक्स्ट मॉर्निंग में चलेगी 7:15 टू 9:30 एंड 9:45 या आप कहेंगे तो सात बजे रख देता हूं कल से सेवन टू सेवन फिफ्टीन और सेवन नाइन थर्टी सॉरी मैक्सिमम नाइन थर्टी यानी कि ये लाइव रहेगा और ये रिकॉर्डिंग सेशन रहेगा अब आपके ऊपर है कि आप कौन सा सेशन अटेंड करना चाहते हैं बट मैंने रिकॉर्डिंग इसलिए अवेलेबल नहीं कराई आधे घंटे के लिए क्या एक घंटे के लिए भी बड़ी सीधी सी बात है कि आई वॉन्ट टू ब्रिंग समिप्लिन इन टू दिस बैच नॉर्मली क्या होता है कि जब हमें फ्री में कोई चीज मिल रही हो ना तो हम उसकी वैल्यू नहीं करते बड़ी सीधी सी बात है तो मैं इसे ऐसा नहीं कहना चाहता कि ये फ्री का बैच है क्योंकि आपने कंसिडरेशन पे, पे किया है आपने कंसिडरेशन क्या पे किया है आपने आपने बुक्स का पे किया है जब आप PDF से अपना प्रिंट आउट लेंगे तो उसका भी कंसिडरेशन पे किया है ठीक है ना तो इसलिए आप फ्री का बैच इसे नहीं कह सकते हो जब आपने एक रुपया भी कंसिडरेशन पे किया है तो घर से गया है तो इसलिए उसके लिए डिसिप्लिन जो चाहिए होता है वो जरूर रखना बाकी ये बैच आपको किस लायक बना देगा ये आपको अभी पता लग जाएगा पहले चैप्टर के बाद ही कि ये किस लायक बना देगा बाकी उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा वो आपको खुद ब खुद पता लगता रहेगा कि आप किस लेवल का ले सब करने वाले हैं चलो जी अब आगे ज़्यादा गप्पे ना मारते हुए हम लोग टू द पॉइंट पर बात करना शुरू करते हैं और टू द पॉइंट की बात यही है भैया कि सबसे पहले बुक का पहला पेज ओपन कर रहा हूं मैं अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स इससे पहले मैं कॉरपोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ की अगर बात करूं कॉरपोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ सवाल उठा क्या ओल्ड सिलेबस वाले भी इस बैच को कर सकते हैं हां करना चाहे कर सकते हैं क्योंकि 80 परसेंट सिलेबस कॉमन है तो वो 80 परसेंट के लिए कर सकते हैं ठीक है जी तो दो पार्ट हैं एक कॉरपोरेट लॉ है एक इकोनॉमिक लॉ है तो दो इसके अलग अलग पार्ट हैं म टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक लॉ तो इकोनॉमिक लॉ में क्या क्या आता है इकोनॉमिक <clears> लॉ <throat> में आपके पास बहुत सारे एक्ट हैं फेमा हो गया जैसे सेबी हो गया सिकरा हो गया आर्बिट्रेशन सरफासी एफ सी आर ए सब परंतु इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कॉर्पोरेट लॉ तो कॉर्पोरेट लॉ में मेरे पास सेक्शन 149 से लेकर टू सेक्शन 470 तक है अगर एक साल पहले पढ़ा रहा होता तो मैं कह सकता था भाई साहब चार सौ सत्तर भी है बट अब इंस्टीट्यूट ने बहुत सारे सेक्शन आपके सिलेबस से हटा दिए हैं बहुत सारे इनफैक्ट रही सही कसर अभी जनवरी 2021 के स्टडी मटेरियल में भी इंस्टीट्यूट ने पूरी की है जब फिर अगेन बहुत सारे सेक्शंस हटा दिए गए हैं बहुत सारा कंटेंट हटा दिया गया है कई बच्चों ने मुझसे पूछा कि सर ये बैच अमेंडेड होगा मैंने कहा यार कमाल कर दिया आठ फरवरी को खड़ा होकर मैं ये बैच आउटडेटेड बैच लूंगा कमाल कर दिया कैसी बात है तो ये बिल्कुल फुली अमेंडेड बैच है और हर वो स्टूडेंट जिसका अटेम्प्ट मैं कहता हूं लास्ट 2023 में भी कहीं है वो भी ये बैच ले ले आराम से बैठ जाए क्योंकि अब बहुत मेजर अमेंडमेंट कोई नहीं आने वाली जितनी आनी थी आ चुकी है दो हजार बीस तक भी आ चुका है यार अब तो चले <coughs> हालांकि मे में, में अप्लीकेबल नहीं है नवंबर दो में एप्लीकेबल है वो चलो जी हम एक एक करके शुरू करते हैं कथा को आगे बढ़ाते हैं और मैं आपकी क्वेरीज भी अब साथ में रख रहा हूं अपने ताकि मैं लेता रहूं क्वेरीज को भी एंड uh, लो जी ये रही बुक जो आपको मिली हुई है और ये आपके सामने है हाँ जी प्लीज ऑडिट भी अरेंज करवा दो भाई तू लॉ पढ़ ले यार ऐसे मुझे मतले देखा अभी अब पहले यहां ध्यान दीजिएगा अमेंडमेंट हाईलाइट करा दूंगा पास करवा दो बेटा पास करवा दो के लिए तो फिर वो रिविजन क्लासेस ही काफी थी मेरी उसके लिए पास करवा दो के लिए नहीं था अब ये बैच किसी और पर्पज से है तो इसे इंजॉय करो देखते हैं <coughs> मैं आपको आज टेलीग्राम का लिंक दूंगा एक एक टेलीग्राम का लिंक दूंगा ये पॉसिबल है कि मैं शायद सारी क्वेरी ना देख पाऊं क्योंकि इस टाइम लगभग 1600 से ऊपर बच्चा इस बैच को देख रहा है पॉसिबल है कि शायद मैं ना देख पाऊं सारी क्वेरीज तो इसलिए मैं एक लिंक दूंगा जिस लिंक में आप मेरे साथ अटैच रहोगे वो टू वे लिंक होगा आप क्वेरी पूछ पाओगे मैं उसका जवाब भी दे पाऊंगा ठीक है मैं क्लास के इमीजिएटली बाद लिंक दूंगा चले आगे बढ़ना शुरू करते हैं मैं जब बात करता हूं डायरेक्टर्स की तो चैप्टर डायरेक्टर्स मेरे कहा मैंने कहा मेरे सिलेबस में 149 से लेकर 470 तक है परंतु 149 से लेकर 205 तक 149 से लेकर सेक्शन 205 तक का जो मेरा सिलेबस है वो है डायरेक्टर्स का 149 से लेकर 205 ठीक हो गई इतनी बात अब 149 से लेकर 205 तक को भी मैं तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं तीन चैप्टर्स में डिवाइड कर सकता हूं पहला चैप्टर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स दूसरा है बोर्ड मीटिंग सेक्शन 173 टू 193 और तीसरा है मैनेजेरियल रेमुनरेशन 196 टू 205 बीच में अगर आप देखेंगे दो सेक्शंस का लिंक कहीं टूटा हुआ है 173 टू यहां आया 173 यहां शुरू हो गया 193 खत्म हुआ 196 से शुरू हुआ व्हाट अबाउट 194 एंड 195 दे आर नॉट इन द सिलेबस नाउ दे हैव बीन ओमिटेड तो वो दो सेक्शन ओमिट हो चुके हैं ठीक है जी चलिए रूल्स ध्यान रखना जब भी मैं चैप्टर नंबर वन में बात करूंगा तो चैप्टर नंबर वन में कुछ रूल्स यूज होंगे और पूरे चैप्टर नंबर वन में यानी कि राइट फ्रॉम सेक्शन 149 फोर्टी नाइन टू सेक्शन वन जो रूल्स यूज होंगे उनका नाम होगा कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स रूल्स 2014 पहला सवाल ये आता है कि सर क्या सेक्शन याद करने हैं नहीं हो पाते बेटा करने तो पड़ेंगे कोई ऑप्शन नहीं है हाँ ये रूल नंबर भी याद करना पड़ेगा परंतु इसका रूल नंबर एक है दो है चार है पांच है अगर वो याद नहीं हो पा रहा है इतना मैं अफोर्ड कर सकता हूं और इतना एग्जामिनर भी आपको अफोर्ड कर लेगा बट सेक्शन नंबर याद होना चाहिए और कौन सी रूल्स की सीरीज है ये जरूर याद होनी चाहिए ध्यान रखना फाइनल लेवल के बच्चे हो दोबारा बताने की जरूरत नहीं है आगे बढ़ते हैं तो चैप्टर नंबर वन में जितने भी रूल्स यूज होंगे उन सब रूल्स का एक ही हेडिंग होगा सीरीज होगी कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स रूल्स 2014 सिमिलरली सेकंड चैप्टर में जितने भी रूल्स यूज होंगे उन सब की सीरीज को हम कहेंगे कंपनीज मीटिंग ऑफ द बोर्ड एंड इट्स पावर्स रूल्स टू थर्ड चैप्टर में जितने भी रूल्स यूज होंगे उन सबको अपन लोग कहेंगे कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड रेमरेशन ऑफ द मैनेजरियल पर्सन रूल्स टू सिमिलरली चैप्टर नंबर वन यानी कि सेक्शन 149 फोर्टी नाइन टू वन तक जब भी फॉर्म नंबर आएगा तो उस फॉर्म नंबर को नंबर दिया जाएगा डी आई आर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिमिलरली सेकेंड चैप्टर में जब भी फॉर्म नंबर आएगा तो उसको नाम दिया जाएगा एमबीपी एमबीपी वन एमबीपी टू एमबीपी थ्री एमबीपी फोर ठीक है आगे फिर मैनेजीरियल रेमेशन में जितने भी फॉर्म नंबर आएंगे उन सबको नाम दिया जाएगा एम आर एम आर मैनेजीरियल रेमेशन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इस तरीके से इट बढ़ सकते हैं आगे चले <coughs> आगे बढ़ना शुरू करते हैं तो कुछ बेसिक टर्म्स जो आपको पहले क्लियर करनी चाहिए वो कौन कौन सी हैं बेसिक टर्म्स देखो जी दो तरीके के लोग कंपनी में होते हैं एक होते हैं मेंबर्स और एक होते हैं डायरेक्टर्स अगर मैं डायरेक्टर्स की बात करूं तो डायरेक्टर्स के बारे में कहा जाता है कि वो इंडिविजुअल जो अपॉइंट किया गया है किस लिए टू मैनेज डे टू डे अफेयर्स ऑफ द कंपनी पहली बात जो दिमाग में फितूर रहता है एक वो क्या क्या डायरेक्टर बनने के लिए मेंबर होना जरूरी है हां या ना क्या डायरेक्टर बनने के लिए मेंबर बनना जरूरी है हा या ना आंसर इज ना क्योंकि लिखा इंडिविजुअल यानी कि डायरेक्टर इंडिविजुअल होगा पहली बात है कोई कंपनी कोई फॉर्म डायरेक्टर नहीं बन सकती नो कंपनी और फॉर्म कैन बिकम डायरेक्टर नीचे लिखते रहना जहां मैं लिख रहा हूं मेरे साथ लिखते रहना कैन बिकम डायरेक्टर कोई कंपनी कोई फॉर्म डायरेक्टर नहीं बन सकती केवल इंडिविजुअल डायरेक्टर बन सकता है दूसरी बात हमारे दूसरे लोग होते हैं यहां पर मेंबर्स मेंबर्स कौन है एवरी पर्सन जिसका नाम नेम इज एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ द कंपनी हर वो व्यक्ति जिसका नाम कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में लिखा है वो कंपनी का मेंबर कहलाता है पहली बार डायरेक्टर बनने के लिए मेंबर बनना जरूरी नहीं है नो नीड टू बिकम नो नीड टू हैव मेंबरशिप यानी कि बिना मेंबरशिप के भी आप डायरेक्टर बन सकते हो द आंसर इज यस यस yes. ठीक हो गई इतनी बात चलिए आगे दूसरी बात सवाल उठा सर मेंबर और डायरेक्टर की जरूरत क्यों पड़ती है जब मेंबर है तो डायरेक्टर क्यों या डायरेक्टर है तो अलग मेंबर क्यों और आपने कहा कि डायरेक्टर मेंबर ना हो तो भी चल सकता है हाँ तो फिर ये दो पोस्ट क्यों देखो जी इसलिए क्योंकि कंपनी चलाने के लिए कई तरीके के डिसीजन लेने पड़ते हैं कई तरीके के डिसीजन लेने पड़ते हैं अब उन सभी के सभी डिसीजन को मैं ब्रॉडली दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं एक होते हैं मेजर डिसीजन बहुत बड़े बड़े डिसीजन और एक होते हैं डे टू डे डिसीजन रोजमर्रा के फॉर एग्जांपल स्टॉक का इंश्योरेंस कराएं या ना कराएं अब ये कैसा डिसीजन है मान लीजिए आप रिलायंस हैं, बत्तीस लाख मेंबर वाली रिलायंस 32 टू लैक्स स्टॉक का इंश्योरेंस कराऊं या ना कराऊं इसके लिए सही रहेगा कि आप बत्तीस लाख लोगों को मंगा लें बुला लें और उनसे ये डिसीजन दिलवाएं कि आपको लग रहा है ये सही है बात नहीं ये बहुत ही गलत है बत्तीस लाख लोग अपने घर बार छोड़कर केवल यह डिसीजन लेने के लिए आएंगे कि स्टॉक का इंश्योरेंस कराएं या ना कराएं नहीं यह गलत है ये एक नॉर्मल सा डिसीजन है रामलाल से माल खरीदें या ना खरीदें एक बड़ा नॉर्मल सा डिसीजन है स्टेशनरी कितनी मंगाएं बड़ा नॉर्मल सा डिसीजन है इसके लिए मेंबर्स मेंबर्स की जरूरत नहीं है मेंबर्स को बड़े बड़े डिसीजंस के लिए अलाव फॉर एग्जांपल जब कंपनी अपना बिजनेस चेंज करना चाहती है डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना चाहती है ऐसे बड़े बड़े डिसीजन के लिए मेंबर्स को बुलाना चाहिए परंतु रोजमर्रा के डिसीजंस के लिए डे टू डे डिसीजंस के लिए कुछ लोगों को अपॉइंट किया जाता है जो कि इंडिविजुअल होते हैं एंड दे आर कॉल्ड डायरेक्टर्स सो डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड ओनली फॉर डे टू डे वेयर एज द मेंबर हैव द कैपेसिटी टू टेक द मेजर डिसीजन देन हु इज मोर पावरफुल द आंसर इज मेंबर आर मोर पावरफुल क्योंकि ये कंपनी के मालिक हैं मालिक इन्होंने कंपनी में पैसा लगाया है दे आर द ओनर ऑफ इट्स कैपिटल दे आर द ओनर ऑफ इट्स कैपिटल इन्होंने पैसा लगाया है दे हैव द कैपेसिटी टू रिमूव और अपॉइंट द डायरेक्टर्स तो यानी कि दो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है कंपनी के अंदर एक मेजर डिसीजन लेने वाली और एक नॉर्मल डिसीजन लेने वाली मेजर डिसीजन लेने वाली अथॉरिटी को हम लोग मेंबर कहते हैं क्योंकि वो ओनर है उन्होंने पैसा लगाया है और नॉर्मल डे टू डे डिसीजन लेने वाली अथॉरिटी को अपन लोग डायरेक्टर्स कहते हैं चले अगली बात ये जो मेंबर्स होते हैं ये दो तरीके से अपने डिसीजन ले सकते हैं अभी ये सब चीजें आपने इंटर के अंदर सुनी हुई है कोई बात नहीं अभी फाइनल तो शुरू भी नहीं हुआ मेंबर <coughs> अपने डिसीजन दो तरीके से ले सकते हैं एक होता है ऑर्डेनरी रेजोल्यूशन जिसका मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन जब वोट्स इन फेवर ज्यादा है वोट्स अगेंस्ट से इसे ओआर यानी कि ऑर्डेनरी रेजोल्यूशन कहते हैं और एक होता है एसआर जिसे स्पेशल रेजोल्यूशन कहते हैं जिसका मतलब है वोट्स इन फेवर जो हैं, वो ज्यादा हैं या बराबर हैं, ज्यादा हैं या बराबर हैं, थ्री इंटू वोट अगेंस्ट से तो इसे अपन लोग स्पेशल रेजोल्यूशन कहते हैं ओके okay. यानी कि मेंबर्स के डिसीजन दो तरीके के हो सकते हैं या तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन या स्पेशल रेजोल्यूशन ओके सिमिलरली मैं डायरेक्टर्स की अगर डिसीजन की बात करूं तो डायरेक्टर्स के डिसीजन भी दो तरीके के हो सकते हैं एक जिसे हम कहते हैं बोर्ड रेजोल्यूशन मतलब वो सिचुएशन जब वोट्स इन फेवर ज्यादा है वोट्स अगेंस्ट से तो उसे हम कहते हैं बोर्ड रेजोल्यूशन अगला सवाल सोच समझ के मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा क्या मैं इसे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी कह सकता हूं बोलो हां या ना क्या मैं इसे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन भी कह सकता हूं सोचो हां या ना द आंसर इज एब्सोल्यूटली नो क्यों क्योंकि टर्म ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इज डिजर्व फॉर सॉरी इज रिजर्वड फॉर मेंबर्स ओनली यानी कि केवल मेंबर के लिए रिजर्व टर्म है ओ आर का मतलब यह है कि मेंबर्स का डिसीजन है डायरेक्टर्स का नहीं तो अगर डायरेक्टर्स में अगर वोट्स इन फेवर ज्यादा है वोट्स अगेंस्ट तो तो आप उसे केवल बोर्ड रेजोल्यूशन कहेंगे ओ आर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कभी नहीं कहेंगे ठीक हो गया चलिए अगली बात <coughs> फिर आता है यूनैनिमस रेजोल्यूशन यूनैनिमस रेजोल्यूशन का मतलब क्या है यूनिमस का मतलब है एक ऐसी सिचुएशन जहां पर सारे के सारे डायरेक्टर जो कि प्रेजेंट थे इन मीटिंग में वो फेवर में आ जाते हैं तो उसे यूनैनिमस रेजोल्यूशन कहते हैं सवाल उठा सर हमें कैसे पता लगेगा कि किस सेक्शन में बोर्ड रेजोल्यूशन चाहिए किस सेक्शन में यूनैनिमस रेजोल्यूशन चाहिए पहली बात यूनैनिमर्स रेजोल्यूशन की डेफिनेशन अभी दोबारा देखते हैं बट फिलहाल सर हमें कैसे पता लगेगा कि कब कब यूनैनिमस चाहिए और कब कब बोर्ड रेजोल्यूशन चाहिए देखो ये टेंशन आपको लेने की जरूरत है ही नहीं क्यों यूनैनिमस की पूरे लॉ में डिस्कशन केवल दो जगह हुई है आपके सिलेबस में एक है सेक्शन वन सब सेक्शन फाइव और एक है सेक्शन टू जीरो थ्री सब सेक्शन थ्री इसके अलावा पूरे कंपनी लॉ में हर जगह जहां भी रेजोल्यूशन बोर्ड का यूज हुआ उसे बोर्ड रेजोल्यूशन कहा जाता है तो पूरे कंपनी लॉ में वर्ड बोर्ड रेजोल्यूशन यूज हुआ है सिवाय इनको छोड़कर ठीक हो गई इतनी बात

फेवर में आए नो अगेंस्ट में किसी ने वोट नहीं किया परंतु एक ने कहा ना मैं वोट करूंगा फेवर में ना करूंगा अगेंस्ट में तैसी कराओ तो बताइए जी रेजोल्यूशन पास हुआ या नहीं हुआ हाँ या ना डेफिनेशन आपके सामने है अपने असाइनमेंट में देख सकते हो जो आपको लगे ना कि फालतू क्वेरी कर रहा है फॉर एग्जाम्पल प्रथम कीर्ति हाँ जी जनवरी अटेम्प्ट का रिजल्ट कब आएगा यहां मैं फालतू बातें बताने के लिए बैठा हूं ये फालतू बातें बताने के लिए आया हूं मैं यहां पर उनको प्लीज स्पैम करके रिपोर्ट करके आउट कर दीजिए ये मैं आपको दे रहा हूं जो आपको लगे कि फालतू की, की बातें कर रहा है उनको हटा दीजिए यहां से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं आपको सौंपता हूं चले <coughs> हां जी आगे बढ़ना शुरू करते हैं तो मैंने कहा जब सारे डायरेक्टर जो प्रेजेंट हैं वो फेवर में आ जाए ओके okay. प्रेजेंट कितने हैं दस फेवर में कितने हैं नो रेजोल्यूशन पास हुआ नो नो यूनानिमस रेजोल्यूशन समझ आ गई बात तो यूनानीमस कैसे पास होता है चले आगे बढ़ सर, आ, आगे बढ़ना शुरू करते हैं मेरे पास एक टर्म आती है फिर मैनेजिंग डायरेक्टर जो आगे चल के मुझे बहुत काम आने वाली है मैनेजिंग डायरेक्टर मैनेजिंग सॉरी मैनेजिंग डायरेक्टर से पहले डायरेक्टर मीनिंग ऑफ डायरेक्टर अभी तक तो मैंने डायरेक्टर का मतलब वैसे ही जुगाड़ू मतलब समझा था कि इंडिविजुअल जो जो है अपॉइंट किया जाता है डे टू डे अफेयर्स के लिए बट अब लीगल डेफिनेशन क्या है डायरेक्टर्स की सेक्शन टू क्लास थर्टी के अंदर बताया गया है सेक्शन टू क्लॉस थर्टी क्या कहता है सेक्शन टू क्लॉस थर्टी कहता है कि डायरेक्टर मीनस अ डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ओ माई गॉड यानी कि हर वो व्यक्ति जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पर है वो डायरेक्टर है तो क्या मैं कह सकता हूं डायरेक्टर बनने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे आना जरूरी है द आंसर इज यस तो फिर ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या होता है मीनिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये सब जनरल नॉलेज चल रही है अभी इसका मतलब होता है मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स ऑन द बोर्ड जब भी किसी बोर्ड पर मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हों तो उसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं अच्छा जी मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स का मतलब मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने होते हैं जी प्राइवेट की बात करूं तो होते हैं दो पब्लिक की बात करूं तो होते हैं तीन और जैसे ही ये मिनिमम लिमिट होती है किसी भी कंपनी में तो आप कहते हैं कि कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है अच्छा फॉर एग्जांपल मैंने कहा जी हुआ क्या ए लिमिटेड इज हैविंग थ्री डायरेक्टर्स ऑन द बोर्ड इन एन एक्सीडेंट वन डायरेक्टर डाइडो डिसाइड हाउ मेनी डायरेक्टर्स आर लेफ्ट ऑन द बोर्ड नाउ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पर कितने डायरेक्टर्स बचे अंडर यूनिमस ऑल नीड टू सेन कैन रिवेन न्यूट्रल मीन्स है शशांक जी क्या सीएबी बोर्ड में इंक्लूड हो सकते हैं नहीं बेटा बोर्ड में केवल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यानी कि डायरेक्टर्स इंक्लूड होंगे नहीं हेमंत जी फर्स्ट डायरेक्टर सेक्शन 152 फिफ्टी टू में कवर है चले हिमांशु गर्ग जी आपका लॉजिक नहीं है यहां होने का आप आराम से घर बैठिए, ये क्या फालतू की क्वेरी है चले मैं आज स्टाफ नहीं है वरना अभी आप आउट हो जाते यहां से इन मत क्रिएट कीजिए बैच केवल डिसिप्लिन वालों के लिए है तो प्लीज आगे बढ़ते हैं हाँ जी मैंने कहा जी ए लिमिटेड में तीन डायरेक्टर है तीन में से एक डायरेक्टर की डेथ हो गई ए लिमिटेड क्या है पब्लिक लिमिटेड कंपनी अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो तो मिनिमम डायरेक्टर कितने चाहिए तीन तो यहां पर कितने बचे तीन में से एक लुढ़क गया बचे दो तो यानी कि क्या मिनिमम की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है नहीं तो फिर आप कह ही नहीं सकते कि बोर्ड पर अब दो डायरेक्टर हैं अब आपको कहना पड़ेगा नो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नाउ कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं है हां ये और बात है कि कंपनी में दो डायरेक्टर्स हैं इवन दो नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने हैं दो दो डायरेक्टर्स बचे हैं बट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपके डेट में नहीं है चलिए कैन सी एक्ट एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर स्वप्निल जैन जी अभी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मैंने बता दिया नहीं तो क्यों आगे दौड़ रहे हो अगर आता है तो इस बैच की जरूरत नहीं है बेटा घर पे बैठो जरूरत नहीं है ठीक है अब यहां आए हो तो जैसे क्लास चल रही है उस हिसाब से चलो आगे बढ़ते हैं तो प्लीज जिन कलाकारों को आता है वो अपनी कलाकारी अपने पास रखे भाई अभी मुझे चलने दें बैच के हिसाब से ऑफिसर कौन होता है मैं इस डेफिनेशन पे आया नहीं जब आऊंगा तब बताऊंगा फिलहाल आगे बढ़ते हैं तो हमने समझा डायरेक्टर कौन है एक बार दोबारा से रिकॉल करना डायरेक्टर वो है जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे है तो हर वो व्यक्ति जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का पार्ट है वो डायरेक्टर है ओके दैट्स ग्रेट आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं अगली डेफिनेशन पे आते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर पेपर में आ चुका है एक बार पेपर में आया है एक बार एम में आया है मैनेजिंग डायरेक्टर कौन होता है सेक्शन टू क्लॉस फिफ्टी फोर मैनेजिंग डायरेक्टर की डेफिनेशन कहता है क्या कहता है मैनेजिंग डायरेक्टर का मतलब क्या होता है कहता है जी मैनेजिंग डायरेक्टर मीनस अ डायरेक्टर ले 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 क्या मैं कह सकता हूं कि मैनेजिंग डायरेक्टर बनने के लिए डायरेक्टर बनना जरूरी है द आंसर इज येस बिना डायरेक्टर बने हुए मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं बन सकते वर्ड है डायरेक्टर तो मैनेजिंग डायरेक्टर मींस अ डायरेक्टर आगे हु इज इंटरेस्टेड इंटरेस्टेड मतलब डेलीगेट किया गया है सौंपा गया है विथ सब्सटेंशियल पावर ऑफ द मैनेजमेंट थ्रू यानी कि जिसके पास बहुत जबरदस्त पावर है अच्छा कितनी जबरदस्त अभी देखेंगे बट हुज द सबस्टेंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट थ्रू जिसको सौंपी गई है सबस्टेंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट कैसे सौंपी गई है थ्रू तीन डॉक्यूमेंट्स के द्वारा आर्टिकल के द्वारा ओके okay. और एग्रीमेंट विद कंपनी के द्वारा और रेजोल्यूशन के द्वारा चाहे बोर्ड का रेजोल्यूशन हो या मेंबर का रेजोल्यूशन हो रिकॉल कीजिएगा आंखें बंद करके मैंने कहा जी बोर्ड ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर मींस डायरेक्टर डायरेक्टर होना जरूरी है अच्छा जिसे एंट्रस्ट किया गया है एंट्रेस्ट मतलब सौंपा गया है विदियल पावर ऑफ द मैनेजमेंट जबरदस्त पावर ऑफ मैनेजमेंट जिसके पास है कहां से मिली है उसे ये पावर तीन डॉक्यूमेंट से या तो आर्टिकल के थ्रू रेजोल्यूशन के थ्रू या एग्रीमेंट विद द कंपनी के थ्रू ओके okay, आगे सबस्टेंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट का मतलब अभी तक मुझे नहीं पता लगा कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं आगे बढ़ते हैं कहता है इंक्लूड द डायरेक्टर अच्छा इसमें वो डायरेक्टर भी आएगा जो कि ऑक्यूपाई कर रहा है द पोजिशन ओके ऑक्यूपाई द पोजिशन यानी कि वो जो पोजिशन ऑक्यूपाई करता है पोजिशन ऑक्यूपाई करना मतलब डेट इज लिख लीजिएगा बुक में होल्ड पावर्स ऑफ एमडी यानी कि इसमें वो व्यक्ति भी आएगा जो कि एमडी की पावर्स को होल्ड करता है एमडी की पावर क्या है सब्सटेंशियल पावर सब्सटेंशियल पावर का मतलब नहीं बताया दोबारा पढ़ो इंक्लूड अ डायरेक्टर ऑक्यूपाइंग द पोजिशन बाय वट एवर नेम्स हो कॉल्ड चाहे आप उसे किसी भी नाम से पुकारें मैं अगर कहूं कोई प्रेसिडेंट है कंपनी का मगर वो सब्सटेंशियल पावर होल्ड करता है तो वो एमडी है यस yes. मैं अगर कहूं कि कंपनी में कोई सीईओ है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर परंतु वो सब्सटेंशियल पावर होल्ड करता है तो क्या वो एमडी है द आंसर इज यस इट मींस यस यानी कि अगर प्रेसिडेंट और सीईओ प्लस सब्सटेंशियल पावर मिला दूं तो क्या मैं कह सकता हूं कि एमडी है द आंसर इज येस एमडी क्योंकि उसको किसी भी नाम से पुकारो बट उसके पास अगर पावर एमडी की है तो वह एमडी है <coughs> यहां तक डन का मैसेज दीजिएगा जी शुभम जी <coughs> चलिए और आगे बढ़ते हैं अब सवाल उठा सब्सटेंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है उसने नहीं बताया सबस्टेंशियल पावर का मतलब क्या है हाँ सेक्शन में यह जरूर लिखा है कि सब्सटेंशियल पावर में क्या नहीं आता ओके सब्सटेंशियल पावर में क्या नहीं आता लॉ कहता है जी देखो जी एक्सक्लूड जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होती है ना लाइक बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ करना कंपनी के बिहार पर शेयर सर्टिफिकेट को साइन करना कॉमन सील को एफिक्स करना यह सबस्टेंशियल पावर नहीं होती है इनको सब्सटेंशियल पावर से कंफ्यूज मत करना बिकॉज दे आर द एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ओके तो यानी कि एक बार मैनेजिंग डायरेक्टर की डेफिनेशन को रिकॉल करें पहली बात मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है डायरेक्टर है अच्छा जिसको डेलीगेट किया हुआ है यानी कि इंटरेस्ट किया हुआ सब्सटेंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट सब्सटेंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट उसे कहां से मिली तीन डॉक्यूमेंट के थ्रू पहला आंखें बंद करके रिकॉल कर रहे हैं आप लोग देखिए कितना रिकॉल कर पाते हैं आर्टिकल के थ्रू रेजोल्यूशन चाहे बोर्ड का हो या मेंबर्स का हो या फिर एग्रीमेंट विद कंपनी के थ्रू ओके इसमें इंक्लूड होगा कोई भी ऐसा डायरेक्टर ध्यान रखना कोई भी ऐसा डायरेक्टर इंक्लूड होगा जो कि पोजिशन होल्ड करता है पोजीशन किसकी होल्ड करता है ऑक्यूपाइंग द पोजीशन ऑफ एमडी चाहे वो किसी भी नाम से पुकारा जाता हो चाहे वो प्रेसिडेंट कहते हो या सीईओ कहते हो फिर हम कहते हैं सब्सटेंशियल पावर क्या होती है उसने कहा सब्सटेंशियल पावर में एक्सक्लूड होंगी वो पावर जो एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की है लाइक कॉमन सील सीलिक्स करना बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ करना शेयर सर्टिफिकेट को साइन करना ये सब पावर एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की है चले मेरे पास अगली डेफिनेशन आती है टू क्लॉस फिफ्टी थ्री की जिसका नाम है मैनेजर मैनेजर कौन होता है वैसे मैं अगर आपसे पूछूं केवल केवल वैसे ही नॉर्मल सवाल पूछ रहा हूं बताइए एमडी और मैनेजर कौन ज्यादा ताकतवर है आप क्या कहेंगे राहुल जी अभी दो मिनट रुकिएगा आपकी क्वेरी का रिप्लाई आ जाएगा मैंने कहा सब्सटेंशियल पावर में क्या इंक्लूड है ये नहीं दिया हुआ बस उसको कहा है कि ये एक्सक्लूड है यानी कि उसके अलावा जो ताकतवर पावर हैं वो सब सब्सटेंशियल पावर हैं दो मिनट रुकोगे तो एनालिसिस और करवाना है अभी अभी तो एनालिसिस की शुरुआत भी नहीं हुई अभी रुक जाओ अपने आप समझ आ जाएगा क्या है बट प्रेजिडेंट एंड सीईओ आर नॉट डायरेक्टर हु सेज दिस मोहित जी कि एंड डायरेक्टर्स आर नॉट सी एंड सी ओ आर नॉट डायरेक्टर्स दे कैन बी डायरेक्टर एंड दे कैन नॉट बी अ डायरेक्टर बोथ सिचुएशंस आर पॉसिबल चले <coughs> मैनेजर कौन होता है सबसे पहला शब्द हां जी कुछ कहते हैं एमडी कुछ कहते हैं मैनेजर चलिए देखना शुरू करते हैं मैनेजर कहते हैं इंडिविजुअल ओहो यानी कि क्या मैनेजर बनने के लिए एमडी बनना जरूरी है डायरेक्टर बनना जरूरी है नहीं तो मैं कह सकता हूं दस एनालिसिस कर रहे हैं इस टाइम आप नॉट रिक्वायर्ड टू हैव डायरेक्टरशिप यानी कि डायरेक्टरशिप होने की जरूरत उसके पास नहीं है मैनेजर मींस एन इंडिविजुअल ओके हु सब्जेक्ट टू द कंट्रोल प्लस सुपरिटेंडेंस ऑफ द प्लस डायरेक्शन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो कि कंट्रोल और डायरेक्शन में सुपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कंट्रोल और डायरेक्शन में काम करता है अच्छा एक्सरसाइज करता है क्या मैनेजमेंट ऑफ होल होल का मतलब क्या होता है मैनेजमेंट ऑफ होल जिसके पास होल मैनेजमेंट है व्हेन आई से होल मतलब कितनी परसेंट दस परसेंट बीस परसेंट तीस परसेंट या सो परसेंट नरेंद्र जी नरेंद्र टोडरवाल जी थोड़ी देर तक रुकिए, आपकी क्वेरी का रिप्लाई अपने आप आ जाएगा इनफैक्ट आप खुद जवाब देंगे हां जी होल का मतलब क्या है कैन ए सी हंड्रेड परसेंट यस और बॉपरेट यानी कि इंडिविजुअल जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कंट्रोल में काम करता है और जिसके पास हंड्रेड परसेंट पावर है या फिर सब्सटेंशियली द होल ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी की पावर है यानी कि लगभग सारी पावर है या तो हंड्रेड परसेंट या लगभग हंड्रेड परसेंट ऑलमोस्ट हंड्रेड परसेंट वो मैनेजर है इसमें डायरेक्टर भी आता है ऊपर कहता है इंडिविजुअल अब कह रहा है डायरेक्टर इसमें वो डायरेक्टर भी आता है यानी कि मैनेजर जो है डायरेक्टर भी हो सकता है मैं कह सकता हूं मैनेजर डायरेक्टर भी हो सकता है लिखने की जरूरत नहीं है अभी आगे सवाल दिया हुआ है या फिर पर्सन ऑक्यूपाइंग द पोजीशन ऑफ मैनेजर हो पर्सन ऑक्यूपाइंग द पोजीशन ऑफ मैनेजर पोजीशन ऑफ मैनेजर मतलब पावर्स ऑफ मैनेजर बाय वट एवर नेम कॉल्ड अच्छा चाहे उसे भी आप प्रेसिडेंट कहिए या सीईओ कहिए सर ये तो बड़ा गलत हो गया आपने एमडी में भी लिखवाया कि वो प्रेजिडेंट या सीईओ एमडी हो सकता है अब आप लिखवा रहे हैं प्रेजिडेंट या सीईओ मैनेजर भी हो सकता है हाँ, कोई दिक्कत नहीं कंफ्यूजन आई ना आई तो अच्छी बात है अभी देखिए जब आप डुबकी लगा के बाहर निकलेंगे तो कैसे निकलेंगे <coughs> भाई नीतीश रामा जी को हो सके तो यहां से ब्लॉक कर दीजिएगा इज नॉट एलिजिबल टू टू बीयर चले मेरे पास डेफिनेशन आई है अब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की मगर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की डेफिनेशन से पहले मैं कुछ और एनालिसिस आपके सामने करना चाहता हूं बुक के अंदर ही आएंगे अभी आप बुक के अंदर ही आएंगे तो लो जी ये अब एनालिसिस दिया हुआ है मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर के डेफिनेशन का शुरू करते हैं एनालिसिस <coughs> शुरू करें जवाब आप देंगे मैं केवल आपसे सवाल पूछ रहा हूं सब्जेक्ट का मतलब मैंने नहीं बताया बेटा तो प्लीज आगे मत दौड़ो कंपनी कैन हैव टू एमडी एट द सेम टाइम आंसर बताइए येस और नो कंपनी कैन हैव टू एमडी एट द सेम टाइम येस और नो द आंसर इज यस फॉर एग्जाम्पल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चार एमडी है इंडियन टोबैको कंपनी पांच एमडी है आपने कहा एमडी के पास सब्सटेंशियल पावर होती है आई टी सी ने अपने पांच डिविजन रख रखे हैं और एक हर एक डिवीजन की पावर एक एमडी को दे रखी है पांच एमडी तो दो एमडी एट द सेम टाइम हो सकते हैं यस कंपनी कैन हैव टू मैनेजर एट द सेम टाइम विल इट बी पॉसिबल नहीं कहां से पॉसिबल हो जाएगा वेन एक मैनेजर के पास हंड्रेड परसेंट है तो दूसरे के पास तो स्कोप ही नहीं है वट अबाउट सेकेंड तो इसलिए दो no. नहीं हो सकते अगली बात कैन कंपनी है वन एमडी एंड वन मैनेजर आपने जब इसे हंड्रेड परसेंट दे दी तो इसके लिए सबस्टेंशियल का स्कोप रहा कहां एक म्यान में कभी दो तलवारें हो सकती हैं क्या नहीं नो no. एक म्यान में दो तलवारें नहीं हो सकती हैं ठीक है ठीके? चले आगे बढ़ते हैं तरुण गिलानी जी आपके लिए क्लासेस नहीं है आप जा सकते हैं मिस्टर डी दट इज डायरेक्टर एंड एमडी ऑफ द कंपनी resigned as a director. Whether he can continue as a MD? बोलो जी डायरेक्टर प्लस एमडी था डायरेक्टर के रूप में रिजाइन कर चुका है क्या वो कंटिन्यू कर सकता है एज एम डी दर इज नो क्योंकि एमडी के लिए सबसे पहली जरूरत क्या है डायरेक्टर बनना तो इसलिए अगर आप डायरेक्टरशिप से रिजाइन गए तो एमडी भी नहीं बन सकते ना. अब खत्म हो गई बात अच्छा फिर कहते हैं मिस्टर डी दैट इज डायरेक्टर एंड एमडी ऑफ कंपनी रिजाइन एज एम डी हा एमडी के रूप में रिजाइन किया है क्या वो कंटिन्यू कर सकता है सर डायरेक्टर द आंसर इज यस भाई एमडी के रूप में रिजाइन किया ना डायरेक्टर के रूप में तो कंटिन्यू कर सकता है ना बट अगर डायरेक्टर के रूप में रिजाइन किया तो एमडी नहीं बन सकता ना क्योंकि एमडी होने के लिए डायरेक्टर होना जरूरी है ठीक है आगे बढ़े चले वेदर अ डायरेक्टर कैन बिकम अ मैनेजर हा क्योंकि नीचे लिखा था मैनेजर की डेफिनेशन में एंड इंक्लूड अ डायरेक्टर वर्ड था ना तो यस आगे शिवांगी जी कहती हैं एग्जांपल नंबर थ्री रिपीट कर दो एग्जांपल नंबर थ्री शिवांगी जी क्या कंपनी में एक एमडी और एक मैनेजर हो सकते हैं नहीं जब आपने एक को हंड्रेड परसेंट दे दी तो दूसरे के लिए सब्सटेंशियल के लिए बचाई कहा तो एक म्यान में दो तलवारें कैसे हो जाएंगी हो ही नहीं सकता ठीक है ना चले हंड्रेड अगर एक के पास है तो एक भी दूसरे के लिए बचाई नहीं ना तो इसलिए मैनेजर रख लिया तो एमडी की जरूरत ही क्या है चले नेक्स्ट पॉइंट मिस्टर डी देट इज डायरेक्टर एंड मैनेजर ऑफ कंपनी रिजाइंड एज अ डायरेक्टर डायरेक्टर के रूप में रिजाइन कर दिया वेदर ही कैन कंटिन्यू एज अ मैनेजर द आंसर इज यस क्योंकि मैनेजर बनने के लिए डायरेक्टर होना जरूरी नहीं है यस सिंस डायरेक्टरशिप नॉट नेसेसरी नॉट नेसेसरी तो डायरेक्टरशिप की जरूरत नहीं है ठीक है चले आगे बढ़ते हैं मिस्टर डी डेट इज डायरेक्टर एंड मैनेजर ऑफ कंपनी देखो कुछ क्वेरीज अगर ऐसी हैं जो आपको लग रहा है क्लास में हैंडल नहीं हो पाई तो प्लीज जो मैं आपको टेलीग्राम का ग्रुप दूंगा उसके ऊपर भेज देना ताकि हैंडल हो जाए ठीक है चलिए अब सुनेगा मिस्टर डी डायरेक्टर एंड मैनेजर ऑफ कंपनी है रिजाइन कर दिया मैनेजर के रूप में क्या वो कंटिन्यू कर सकते हैं एज ए डायरेक्टर सोचो जी डायरेक्टर एंड मैनेजर ऑफ कंपनी है मैनेजर के रूप में रिजाइन कर दिया वेदर ही कैन कंटिन्यू एज अ डायरेक्टर द आंसर इज यस हा नो नो प्रॉब्लम क्या प्रॉब्लम है कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आईटीसी के केस में पांच एमडी पर एक एमडी होगा क्या पांच एमडी पर एक एमडी मतलब पांच एमडी है सेपरेट एमडी है उस पर एक एमडी का होने का मतलब है

मैनेजर या एमडी सोच समझ के मैं जवाब दीजिए हु इज मोर पावरफुल आई वुड से मैनेजर इज मोर पावरफुल मैनेजर इज मोर पावरफुल क्यों क्योंकि एमडी के पास बहुत सारी पावर होती है और मैनेजर के पास सारी पावर होती है गेटिंग इट एमडी के पास बहुत सारी पावर होती है परंतु मैनेजर के पास सारी पावर होती है हंड्रेड परसेंट पावर ठीक हो गई इतनी बात चले <coughs> और आगे बढ़ते हैं ये जो मैं शीट यूज की है ना ये ये आपको मिल जाएगी अगर आप मेरे साथ नहीं लिख पाए तो आपको मिल जाएगी वैसे अगर आपने नहीं लिखा तो मुझे बता दीजिए जहां आपको स्पीड ऐसे लगे कि बहुत तेज हो गई है रोक लीजिएगा कि पोपलीसर थोड़े धीरे ठीक है आगे बढ़े चले अब मैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की डेफिनेशन पे आता चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ओके मैंने कहा जी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है कहता जी मींस एन ऑफिसर ऑफ कंपनी हु हैज बीन हुई यानी कि हर वो ऑफिसर जिसे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आप कह दोगे वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है आपने एक बात गौर की मैनेजिंग डायरेक्टर की डेफिनेशन में भी मैंने आपको कहा कि आप सीईओ को एमडी कह सकते हैं मैनेजर की डेफिनेशन में भी मैंने आपको कहा कि सीईओ को आप मैनेजर कह सकते हैं यानी कि सीईओ अगर कोई व्यक्ति है तो वो मैनेजर भी हो सकता है एमडी भी हो सकता है द आंसर इज यस तो सर ये मैं कैसे पहचानूंगा कि अगर मान लीजिए किसी कंपनी में कोई सीईओ है तो मैं उसे एमडी कहूंगा या मैनेजर कहूंगा ये मैं कैसे पहचानूंगा देखते हैं देखो जी ऐसा है मान लीजिए सपोज इफ मिस्टर डी इज अ सीओ सीओ है नाउ वेदर टू ट्रीट हेम एज एमडी और मैनेजर बताइए मानू या मैनेजर मानू चलो देखना शुरू करते हैं पहली सिचुएशन में आपको कहता हूं सिचुएशन नंबर वन ये है सिचुएशन नंबर टू ये है. अब आपने जवाब देना है मैंने कहा जी वो डायरेक्टर नहीं है सीओ है डायरेक्टर नहीं है तो बेटा एमडी तो हो ही नहीं सकता तो वो होगा ही कौन मैनेजर वो होगा ही कौन मैनेजर होगा ठीक है ना आगे बढ़ते हैं बट अगर सिचुएशन नंबर वन अगर वो डायरेक्टर है सिचुएशन नंबर वन अगर वो डायरेक्टर है संकल्प जी बार बार मत लिखिए, हो सके तो बंद करके चले जाइए प्लीज हाँ जी अगर वो डायरेक्टर है दो पॉसिबिलिटी बनती है वो एमडी भी हो सकता है वो मैनेजर भी हो सकता है ठीक है इफ यू होल्ड द पावर ऑफ एमडी अगर उसके पास एम डी की पावर है अगर उसके पास एमडी की पावर है कौन सी पावर होती है एमडी की सब्सटेंशियल पावर तो अगर उसके पास एमडी की पावर है यानी कि सब्सटेंशियल पावर तो ही कैन बी टर्म एज एमडी सी ओ है और एमडी है परंतु इफ ही होल्ड द पावर्स ऑफ मैनेजर कौन सी पावर है एमडी की पावर कौन सी है सब्सटेंशियल पावर और मैनेजर की पावर कौन सी है हंड्रेड परसेंट पावर हंड्रेड परसेंट पावर तो अगर उनके पास हंड्रेड परसेंट पावर है तो ही कैन बी ट्रीटेड एज मैनेजर तो आज के बाद अगर आपसे कोई पूछे कि प्रेसिडेंट या सीईओ एमडी हैं या मैनेजर हैं तो सीधी सी बात डायरेक्टर हैं? नहीं तो मैनेजर हैं। अगली बात, डायरेक्टर हैं? हां कौन सी पावर है सब्सटेंशियल या हंड्रेड परसेंट हंड्रेड परसेंट तो मैनेजर सब्सटेंशियल तो एमडी बस सीधी सी बात है डन दीजिएगा <coughs> जब एक डायरेक्टर की डेथ हो गई और वो बोर्ड ही नहीं रहा तो विदाउट बोर्ड वो डायरेक्टर कैसे रहा वाह 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 बेटा बोर्ड डायरेक्टर से बनता है डायरेक्टर बोर्ड से नहीं जब डायरेक्टर इकट्ठे हो जाते हैं कम से कम तीन पब्लिक में तो बोर्ड बनता है बोर्ड नहीं भी है तो भी डायरेक्टर्स तो रह सकते हैं ना वो चलिए आगे बढ़ना शुरू करते हैं आगे बढ़ना शुरू करते हैं आगे बढ़ना शुरू करते हैं जरा इस डेफिनेशन पे मैं वापस आता हूं आपने मैनेजर की एक लाइन पे ऑब्जेक्शन नहीं उठाई सर मैनेजर ज्यादा मैंने कहा मैनेजर ज्यादा पावरफुल आदमी है वो ज्यादा पावरफुल आदमी क्यों है जबकि सर वहां पे तो नाम लिखा हुआ है ही सब्जेक्ट टू द कंट्रोल एंड डायरेक्शन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो वो तो कंट्रोल और डायरेक्शन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में काम करता है तो यानी कि वो तो रिपोर्ट ही है तो वो पावरफुल क्यों हुआ एमडी को होना चाहिए पावरफुल बात ठीक है आपकी कि मैनेजर जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कंट्रोल में काम करता है बट द रियलिटी इज कि मैनेजिंग डायरेक्टर भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रिपोर्ट करता है तो सवाल उठा सर उसमें ये चीज लिखी लिखी क्यों नहीं नहीं वो इसलिए क्योंकि एमडी का मतलब है डायरेक्टर है ही है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का पार्ट होगा हो ही होगा ठीक है तो इसलिए वो लिखने की जरूरत नहीं थी लॉ मेकर को परंतु मैनेजर में ये पॉसिबल है कि मैनेजर हो और डायरेक्टर नहीं हो यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का पार्ट ना हो फिर भी मैनेजर हो ये पॉसिबल है तो इसलिए लॉ मेकर ने लिखा कि बेशक तुम मैनेजर हो ये पॉसिबल है बेशक कि तुम डायरेक्टर्स नहीं हो फिर भी मैनेजर हो मगर स्टिल यू वुड रिमेन अ रिपोर्टी टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये लिखना जरूरी था क्योंकि मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ इंप्लाइड है कि ही विल रिपोर्ट इन टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बट मैनेजर के साथ लिखना एक्सप्रेसली जरूरी ये था क्योंकि मैनेजर इज क्वाइट पॉसिबल डेट ही मे नॉट बी अ डायरेक्टर बट स्टिल वी वॉन्ट हिम टू रिपोर्ट इन टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डेट इज वायस लाइन कि ही सब्जेक्ट टू द कंट्रोल एंड डायरेक्शन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्लियर हो गई इतनी बात <clears throat> आगे बढ़ते हैं तो हमने देखा ये एमडी की डेफिनेशन ये हमने देखा मैनेजर की डेफिनेशन फिर हम आते हैं होल टाइम डायरेक्टर होल टाइम डायरेक्टर का मतलब धीरे धीरे बोलो होल टाइम डायरेक्टर पूरे समय का डायरेक्टर यानी कि जो सुबह से लेकर शाम तक कंपनी में रहता है उसे होल टाइम डायरेक्टर कहते हैं इसका दूसरा नाम है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तो इसे अपन लोग एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का नाम भी देते हैं इसे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी कहते हैं <coughs> ठीक है आगे बढ़ना शुरू करते हैं हाँ जी वेदर इट इज पॉसिबल ये जो आपका सीईओ वाला था ना उस पे आ जाइएगा वेदर इट इज पॉसिबल फॉर अ कंपनी टू हैव टू सीईओ एट द सेम टाइम मैं कह सकता हूं आंसर क्या होगा इफ सीईओ इज equal टू MD, तो आंसर इज यस आंसर इज ये बट इफ सी ओ इज इक्वल टू मैनेजर तो आप क्या कहेंगे द आंसर इज नो आंसर इज नो दॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बताया नहीं बेटा अभी आगे चल के बताऊंगा आई होप यहां तक लिख लिया कोई दिक्कत नहीं में मुकेश अंबानी साहब सीएमडी है चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर रिलायंस में वो CMD तब से हैं हिसाब से, तो से चेंज नहीं किया तो वो गलत है लॉजिकल नहीं है कर लेना चाहिए था चले मैनेजर <coughs> की डेफिनेशन में द होल भी लिखा है का मतलब लगभग सारी लगभग सारी मतलब ऑलमोस्ट हंड्रेड परसेंट ठीक है ना चले अच्छा नो क्यों इफ सीईओ इज इक्वल टू मैनेजर तो क्या ये कंपनी में एक से ज्यादा मैनेजर हो सकते हैं नहीं हो सकते ना तो इसलिए आंसर इज नो चलो बाकी जो भी क्वेरी होगी मैं टेलीग्राम पे लूंगा डोंट वरी इफ क्वाइट पॉसिबल कि जी कुछ क्वेरी छूट जाए क्योंकि बहुत तेजी से क्वेरीज आ रही हैं आगे बढ़ते हैं अब ऐसा है जी अगली डेफिनेशन है के एम पी का मतलब क्या होता है की मैनेजीरियल पर्सोनल की मैनेजेरियल पर्सोनल हालांकि इस डेफिनेशन का असली लॉजिक तो तब समझ आता है जब मैं सेक्शन 203 पढ़वाता हूं बट फिलहाल मैं आज यह बता दूंगा कि केएमपी आया क्यों ये कॉन्सेप्ट आया क्यों ये ध्यान रखिएगा, के एमपी का कॉन्सेप्ट क्यों आया बड़ी सीधी सी बात है लिखना मत बड़ी सीधी सी बात है ध्यान से सुनिएगा मैं कहता हूं जी हुआ क्या कि ये कंपनियां लिखिएगा मत प्लीज लिखिएगा मत जहां लिखने की जरूरत नहीं है मैं खुद बता रहा हूं मान लीजिए पोपली गारमेंट्स है पोपली गारमेंट्स ठीक है जी दे आर इनटू एक्सपोर्ट टू यूएसए अच्छा मैं आपको बता दूं अपनी कुछ विशेषताएं मेरे को ड्राइंग में कई अवार्ड मिले हैं या पहचान गए होंगे जहां पांव में पायल हाथ में कंगन ये अच्छा यूएसए वैसे तो यहां होता है बट कोई दिक्कत नहीं मान लीजिए यूएसए ये है हां जी स्पेस नहीं है ना तो अब हुआ क्या कि कंपनी इज इन टू एक्सपोर्ट टू द यूएसए अब कंपनी एक्सपोर्ट करती है यूएसए से यूएसए से डॉलर्स में पेमेंट आती है डॉलर्स में पेमेंट होने के बाद स्टेप नंबर वन स्टेप नंबर टू पेमेंट को जमा कराने के लिए आरबीआई के पास जाना पड़ता है भाई बहुत सारे काम है बहुत सारे काम है अच्छा अब मेरे बारे में सोचिएगा अमित पोपली ये लंबे लंबे बालों वाला मैं कौन हूं मैं भाई साहब कंपनी के अपने कस्टमर से भी बातें मैं करूं बैंकों से भी इंटरेक्शन मैं करूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैं बनाऊं सब कुछ मैं करूं इंप्लॉइज को मैं देखूं सब कुछ मैं देखू मैं इंसान हूं या चिट्टी हूं बात तो जनवन है तो भाई इतने सारे काम मैं कैसे कर सकता हूं इसलिए क्या हुआ हर बात पे डायरेक्टर लायबल है डायरेक्टर लायबल है डायरेक्टर लायबल है ये क्या ये गलत नहीं था गलत था इसलिए केवल डायरेक्टर का गला मत पकड़ो डायरेक्टर के अलावा भी कोई और इंपॉर्टेंट व्यक्ति कंपनी में हो सकते हैं तो उनको भी देखो तो वो सारे इंपॉर्टेंट व्यक्ति जो कंपनी में डायरेक्टर के अलावा होते हैं उन सबको एक जगह इकट्ठा करके लॉ मेकर ने डेफिनेशन बनाई के तो आज के बाद आज के बाद अगर कंपनी ने कोई गड़बड़ की तो केवल डायरेक्टर का गला नहीं पकड़ा जाएगा आज के बाद गला पकड़ा जाएगा ऑफिसर का किसका गला पकड़ा जाएगा ऑफिसर का तो ये ऑफिसर कौन होते हैं आइएगा अभी हमने बुक के अंदर एक डेफिनेशन छोड़ी है अगर आपको याद हो ऑफिसर की तो देखिएगा ऑफिसर की डेफिनेशन में कहा लिखा है ऑफिसर की डेफिनेशन कहा गई ये देखिएगा डायरेक्टर के एकदम नीचे ऑफिसर की डेफिनेशन है तो आज के बाद ऑफिसर लाइबल होंगे और ऑफिसर का मतलब है डायरेक्टर प्रमोटर केएमपी यानी कि आज के बाद ये लाइबल होंगे डेफिनेशन का पर्पस क्या है मैं कह सकता हूं पर्पस ये है फॉर एनी नॉन कंप्लायंस एनी नॉन कंप्लायंस ऑफिसर शेल बी लाइबल तो इस डेफिनेशन की ये महानता है ऑफिसर शेल बी लाइबल आई होप कोई दिक्कत नहीं है बढ़ सकते हैं आगे तो इसलिए ऑफिसर के डेफिनेशन में केएमपी को डाला गया तो के कौन है डायरेक्टर्स और प्रमोटर्स के अलावा और भी कंपनी के इंपॉर्टेंट व्यक्ति अब ये इंपॉर्टेंट व्यक्तियों में कौन आते हैं कौन आते हैं देखिएगा <coughs> क्या मैनेजर एंड एमडी भी डब्ल्यू होते हैं देखो जी डब्ल्यू अलग डेजिग्नेशन है मैनेजर अलग डेजिग्नेशन है और एमडी अलग डेजिग्नेशन है तो उन तीनों को आपस में कंफ्यूज मत करो गौरव सिंह जी तीनों अलग अलग चीजें हैं प्रमोटर बेटा अभी आएगा सेक्शन टू क्लॉस सिक्सटी अभी आएगा चिंता मत करो अभी नहीं आया तो जब आएगी चीज वहां पे फिट है जहां पे भी आएगी तो वहां पे अपने आप क्लियर होती जाएगी हाँ जी अब के में कौन कौन आता है देखिएगा के में कौन आता है सीईओ ओके okay. और एमडी और मैनेजर अच्छा सीईओ एमडी और मैनेजर ये की एमपी है तो है ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति भाई सीएस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है कंपनी सेक्रेटरी अच्छा डब्ल्यूटीडी होल टाइम डायरेक्टर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है इन सबको लपेटेंगे कुछ भी हो जाए तो सीएफओ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नॉर्मली सीए होते हैं सर सीए को नहीं रखा नॉर्मली सी एफ ओ सीए ही होते हैं नॉर्मली मैं कह सकता हूं नॉर्मली का मतलब सत्तर परसेंट केसेस में तो सीए ही होते वैसे सीए को नहीं रखा अच्छी बात है बेटा सीधा गला पकड़ने वाली बात है यहां पर कि कुछ भी गड़बड़ हुई तो पर मैं के को पकड़ लूंगा तो ठीक है ना बच गए हम तो आगे <coughs> फिर कहते हैं सच अदर ऑफिसर नॉट मोर देन वन लेवल बिलो द डायरेक्टर्स हु इज इन द होल टाइम एम्प्लॉयमेंट डेजिग्नेटेड एज के एम पी बाय द बोर्ड ऑफ माई गॉड इसका मतलब क्या है देखो जी अगर मैं कंपनी में हिरैरकी बनाऊं, अपने ऊपर जो बुक के अंदर स्पेस है ना वहां पर बना लेना सबसे ऊपर आते हैं सीईओ एम डी या फिर मैनेजर सबसे ऊपर आते हैं ओके okay. उनके नीचे आते हैं इस कैटेगरी में आते हैं होल टाइम डायरेक्टर्स ये काफी बड़ी संख्या में हो सकते हैं आठ दस पंद्रह ऐसे हो सकते हैं फिर इनके नीचे एक और क्लास आती है जिनको आप बिजनेस हेड कहते हैं जिनको आप जनरल मैनेजर कहते हैं जिनको आप वाइस प्रेसिडेंट भी कहते हैं ऐसे नामों से पुकारते हैं ये भी बड़े शक्तिशाली लोग हैं इनके डिपार्टमेंट हेड होते हैं ये कई कई लोग तो इसलिए लॉ मेकर ने कहा अभी तक तो हम इन लोगों को केएमपी बोलते थे बस इसके अलावा सीएस प्लस सी जोड़ देते थे परंतु इन लोगों को भी केएम की डेफिनेशन में इंक्लूड किया जा सकता है अगर बोर्ड इन्हें डेजिग्नेट कर दे इफ डेजिग्नेटेड इफ डेजिग्नेटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन्हें डेजिग्नेट कर दे तो यहां तक क्लियर चलिए वीपी मतलब वाइस प्रेसिडेंट डिफरेंट डिफरेंट डेजिग्नेशन है ना कंपनियों के और फिर कहता है सच अदर ऑफिसर एज में भी प्रिस्क्राइब मतलब रूल्स के द्वारा किसी और ऑफिसर को भी प्रिस्क्राइब किया जा सकता है ये भी अमेंडमेंट के द्वारा आया था पुरानी बुक्स में अभी भी ये नहीं है इनफैक्ट कई टीचर्स के असाइनमेंट में भी अभी तक ये नहीं है आए हुए डेढ़ साल हो चुका है तो आप में से भी कोई बहुत पुराना हो तो चेंज कर लेना प्लीज के एमपी का मतलब है जिसे बोर्ड गएगा हां जी ये भी केएम है हमारा वो ठीक है चल अब कहते हैं अब आता है हमारा सबसे पहला सेक्शन हमारे सिलेबस का सबसे पहला सेक्शन 149 फोर्टी नाइन कैं शेयर होल्डिंग ट्वेंटी फाइव परसेंट भी कॉल्ड एज ए केम नहीं बेटा जर, ऐसा नहीं है कि 25 परसेंट मैं कह रहा हूं 50 परसेंट से भी ऊपर हो तो भी जरूरी नहीं कि तुम के हो हाँ जी आगे बढ़ना शुरू करते हैं आगे बढ़ना शुरू करते हैं बेटा इफ डेजिग्नेटेड का मतलब बता दिया बार बार मत पूछो इफ डेजिग्नेटेड मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अगर उसे डेजिग्नेट करते हैं तो फिलहाल के की डेफिनेशन पे पूरी रिसर्च तब होगी जब सेक्शन 203 पे आएंगे तभी मैंने यहां पे लिख रखा है कि 203 के साथ इसे कनेक्ट करना तब तक समझ नहीं आएगा जब तक 203 नहीं समझोगे हम्म hmm. किसको डेजिग्नेट किया उसका पता कैसे चलेगा बोर्ड रेजोल्यूशन से पता चलेगा ले चले, तो मैं पहले सेक्शन पे आता हूं जिसका नाम है सेक्शन 149 मतलब बोर्ड बोर्ड ऑफ 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 डायरेक्टर्स अ अ कंपनी कंपनी ओके पहला सेक्शन कहता है जी एवरी टू हैव डायरेक्टर यानी कि चाहे कोई भी कंपनी हो प्राइवेट हो पब्लिक हो हर कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होना जरूरी है हर कंपनी में ये yes, जो जिसमें कौन होगा केवल इंडिविजुअल डायरेक्टर्स होंगे और कोई नहीं हो सकता अच्छा दूसरा कहता है जी मिनिमम डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए मिनिमम डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए किसी भी कंपनी में प्राइवेट है तो दो पब्लिक है तो तीन ओपीसी है तो वन मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर मैक्सिमम डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए मैक्सिमम डायरेक्टर कितने होने चाहिए द आंसर इज पंद्रह ठीक है द आंसर इज फिफ्टीन ओके बट ये जो 15 है ना दिस इज नॉट एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट कंपनी और सेक्शन 8 कंपनी मीनस गवर्नमेंट कंपनी और सेक्शन 8 कंपनीज जो है वो 15 से भी ज्यादा डायरेक्टर रख सकती हैं द आंसर इज यस कोई दिक्कत नहीं है ओके okay? ओके okay. <clears throat> आगे बढ़ते हैं फिर कहता है जी ऐसा है फर्स्ट प्रोवाइजर टू सेक्शन 149 फोर्टी नाइन सबसेक्शन वन ये आपका 149 फोर्टी नाइन सबसेक्शन वन है फिर इसका फर्स्ट प्रोवाइजो कहता है कि अगर मान लीजिए फर्स्ट प्रोवाइजो कंपनी पंद्रह से ज्यादा डायरेक्टर करना चाहती है तो कर सकती है कोई दिक्कत नहीं है दे हैव टू पास द है स्पेशल रेजोल्यूशन क्या मैक्सिमम डायरेक्टर ओपीसी में भी पंद्रह हो सकते हैं हां ठीक है हाँ. जी अमित कुमार जी आगे स्पेशल <coughs> रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा अगर कंपनी पंद्रह से ज्यादा डायरेक्टर रखना चाहती है तो ओके, okay. बट मैंने कहा गवर्नमेंट कंपनी और सेक्शन एट कंपनी में तो पंद्रह से ज्यादा डायरेक्टर हो ही सकते हैं उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है ना उसमें तो हो ही सकते हैं गवर्नमेंट कंपनी और सेक्शन एट कंपनीज में तो क्या गवर्नमेंट कंपनी और सेक्शन एट कंपनीज भी अगर पंद्रह से ज्यादा डायरेक्टर करना चाहेंगी तो वहां पर भी एस आर पास वहां पर भी एस आर पास होगा द आंसर इज नो नो बिल्कुल नहीं तो यानी कि मैंने जब कहा कि एस पास करना पड़ेगा अगर कंपनी पंद्रह से ज्यादा डायरेक्टर करना चाहती है फर्स्ट प्रोवाइजो में लिखा तो ये फर्स्ट प्रोवाइजो एप्लीकेबल नहीं है गवर्नमेंट कंपनी और सेक्शन एट कंपनी पे भी बड़ी सीधी सी बात है ठीक है आगे बढ़ना शुरू करते हैं तो क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन है कहता है जी देयर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी इज आर्टिकल कहता है गुड हार्ट कंपनी लिमिटेड ये रही फ्रंटलाइन ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड अच्छा हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड अ गवर्नमेंट कंपनी अंडर सेक्शन टू क्लॉस फोर्टी फाइव जी फिर कहता है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ एफोर्ट कंपनी प्रपोज टू इंक्रीज द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टू एटीन अच्छा एडवाइज वेदर अंडर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैन डू सो क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऐसे बढ़ा सकते हैं चले section 7 नहीं होता रुद्र सेक्शन एट कंपनी होता है मिनिमम डायरेक्टर ऑफ ओपीसी लिखा है एक चले <coughs> सबसे पहली बात आर्टिकल ने कितने कहे मुझे बताना आर्टिकल ने कितने कहे नाइन मैक्सिमम डायरेक्टर आर्टिकल ने कहा नो no है अच्छा अब कंपनी 18 करना चाह रही है क्या मैं कह सकता हूं आर्टिकल में चेंज करना पड़ेगा यस आर्टिकल में कोई भी अगर आप चेंज करते हो तो उसके लिए आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है कौन सा रेजोल्यूशन स्पेशल रेजोल्यूशन ओके कैन एन अनलिस्टेड कंपनी 15 डायरेक्टर नीरज जी बड़ी सीधी सी बात है एस पास करना पड़ेगा लिखा हुआ है हाँ जी पहली बात अमेंड द आर्टिकल तो आर्टिकल को अमेंड कर देना आर्टिकल में अमेंडमेंट कोई भी अमेंडमेंट होती है तो कौन सा सेक्शन लगता है सेक्शन 14 और कौन सा रेजोल्यूशन स्पेशल रेजोल्यूशन स्पेशल रेजोल्यूशन स्पेशल रेजोल्यूशन तो आर्टिकल को आपने अमेंड किया दूसरी बात क्या मैं कह सकता हूं फर्स्ट प्रोवाइजो भी अट्रैक्ट हो रहा है क्योंकि पंद्रह से ज्यादा डायरेक्टर्स अपॉइंट कर रहे हो यस फर्स्ट प्रोवाइजो सेक्शन वन फोर्टी नाइन सबसेक्शन वन वो कहते हैं पंद्रह से ज्यादा डायरेक्टर अपॉइंट करने है तो आपको एस आर पास करना पड़ेगा तो यानी किस आर हो गया एक और एस आर हो गया बट नॉट एप्लीकेबल क्योंकि एक गवर्नमेंट कंपनी है गवर्नमेंट कंपनी होने के नाते यहां पर केवल एक एस आर से काम चल जाएगा बाकी पहली दोनों कंपनियों में दो दो एस आर पास करने पड़ेंगे डन का मैसेज दे दीजिएगा <coughs> डॉमेंट कंपनी सेक्शन 455 में आएगा मैं वहां तक पहुंचा नहीं हूं फॉर इनकॉर्पोरेटिंग द बोथ पॉइंट देखो जी आप एक एक ही साथ में एक ही प्रपोजल रख सकते हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है बाकी दो रेजोल्यूशन तो दो होंगे रेजोल्यूशन नंबर वन रेजोल्यूशन नंबर टू चले सेक्शन एट कंपनी होती है जो कि नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी होती है विच आर नॉट फॉर्म फॉर द प्रॉफिट मोटिव चले आगे बढ़ना शुरू करते हैं वुमेन डायरेक्टर सेकेंड प्रोवाइजर टू वन फोर्टी नाइन सबसेक्शन वन प्रोवाइजर याद रखना है याद रखना है याद रखना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए सेकेंड प्रोवाइजर टू वन फोर्टी नाइन सबसेक्शन वन एक छोटा सा सवाल मेरा आपसे पुरुष और स्त्री दोनों में से कौन ज्यादा भ्रष्टाचारी होने की संभावना है पुरुष और स्त्री में से किसके ज्यादा भ्रष्टाचारी होने की संभावना है अनुज शर्मा बेटा आपने फाउंडेशन क्लियर किया बहुत बहुत शुभकामनाएं परंतु यहां इस क्लास में मत बैठो ये फाइनल की क्लास चल रही है जी किसके ज्यादा भ्रष्टाचारी होने की संभावना है Obviously, आपका आंसर मैं जानता हूं पुरुष ही होगा महिलाओं के भ्रष्टाचारी होने की संभावना लगभग नेग्लिजिबल है इवन दो एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर क्योंकि ऊपर वाले ने महिलाओं को बनाया ही ऐसा है दया की मूर्ति नाम भी देखो ना कैसे दिए हैं मां की ममता हमारे लिए कोई नहीं कहता बाप की बापता तो इसलिए मां की ममता तो कहते हैं बाप की बापता कोई बोलता ही नहीं है तो ऊपर वाले ने स्त्री को बनाया ही ऐसा है मां की ममता के रूप में इसलिए लॉ मेकर्स ने भी ये बात पकड़ी और कहा कि बात तो ठीक है अगर अगर हम वुमेन को किसी भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में रख दें तो इसका मतलब है भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा तो इसलिए वुमेन डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट लाया गया कुछ कंपनियों में ताकि भ्रष्टाचार ना रहे क्योंकि वुमेन जहां है वहां भ्रष्टाचार नहीं होगा आपके दिमाग में जो नाम आ रहे हैं प्लीज आप अपने तक रखेंगे यहां नहीं लिखेंगे मैंने कहा वुमेन डायरेक्टर में वुमेन भ्रष्टाचार केवल एक्सेप्शन में हो सकती है आप वो नाम उठा उठा के मेरे सामने मत लाइए या दिमाग में मत रखिए चलिए तो मैंने कहा कि वुमेन डायरेक्टर सेकेंड प्रोवाइजर टू तो सेक्शन वन फोर्टी सब सेक्शन वन कहता है कि कम से कम एट लीस्ट वन वुमेन डायरेक्टर एक वुमेन डायरेक्टर रख ना प्लीज देख एक 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 रखना पड़ेगा शेल बी ऑन द बोर्ड ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ द कंपनी ओके <coughs> कौन सी कंपनियों में अकॉर्डिंग टू द कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स रूल्स दो हजार चौदह कौन सा रूल रूल नंबर तीन याद रखना है क्या याद रख लोगे तो स्टाइल अच्छा लगेगा नहीं रखोगे तो कुछ रूल नंबर याद रख लो रूल नंबर तीन अच्छा अगर आ जाए वुमेन डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट पेपर में तो पता है आप कैसे लिखोगे स्टाइल मानना सिखाता हूं एज पर द प्रोविजन्स ऑफ सेकेंड प्रोवाइजो टू सेक्शन 149 फोर्टी नाइन सबसेक्शन वन रेडविथ रूल नंबर 3, ऑफ कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स रूल्स 2014, अब प्रोविजन लिखना शुरू करना ये लाइन देखते ही नंबर मिल जाएंगे पता है फाइनल में 20 परसेंट बच्चा सेक्शन कोट करके आता है 10 परसेंट बच्चा ऐसा है जो 70 क्रॉस होता है नतीजा आपके सामने है ये प्रेजेंटेशन लैक करते हो ऐसे वाली चले हां पापा की परियां बिल्कुल ठीक कहा हर्षित जैन ने हाँ जी अकॉर्डिंग टू कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर रूल 2014 हर लिस्टेड कंपनी में वुमेन डायरेक्टर की जरूरत है उसके अलावा एवरी अदर पब्लिक कंपनी हैविंग अ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 100 करोड़ रुपीस more, और मोर और टर्नओवर ऑफ 300 करोड़ रुपीस और मोर वहां पे वुमेन डायरेक्टर की जरूरत है हर लिस्टेड कंपनी में और हर पब्लिक कंपनी और पब्लिक कंपनी uh, में जिसकी पेडअप कैपिटल और टर्न ओवर हंड्रेड और थ्री हंड्रेड लिमिट ऐसी है जो मतलब खून में बसा लेना इतनी बार आया हुआ है ये पेपर में ठीक है अब लॉ में लिखा है लिस्टेड कंपनी अच्छा जी सवाल उठा यहां पे देखिएगा एनालिसिस में वेदर अ प्राइवेट लिस्टेड कंपनी आल्सो रिक्वायर्ड टू हैव अ वूमेन डायरेक्टर तो है कि कह रहे हो जसप्रीत सिंह कह रहा है बाप के नल्ले हे भगवान कुछ ज्यादा ही कर दिया नहीं सवाल उठा क्या प्राइवेट कंपनी लिस्ट हो सकती है हां क्यों नहीं हो सकती प्राइवेट कंपनी कैन बी अ लिस्टेड कंपनी अब कैसे ये कैसे सर देखो जी ऐसा है स्टॉक एक्सचेंज जो है आज के डेट में इंडिया में तीन तरीके की स्टॉक एक्सचेंज है बताता हूं सुखिंदर जी बताता हूं हाँ जी तीन तरीके की स्टॉक एक्सचेंज इंडिया के अंदर है एक होती है मेन स्टॉक एक्सचेंज मेन बोर्ड जैसे कि आपके बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ये जो होती है ना ये मेन बोर्ड कहलाती है चलिए फॉर एक्साम्पल बीएसई एनएससी ये मेन बोर्ड है फिर आता है स्मॉल एंड एंड मीडियम एंटरप्राइजेस और फिर आई टीपी प्लेटफॉर्म आई टीपी प्लेटफॉर्म अच्छा अब पता है मेन बोर्ड पे कौन आता है पब्लिक कंपनी यानी कि पब्लिक कंपनी होना जरूरी है यस yes. एसएमई पे कौन आता है पब्लिक कंपनी पब्लिक कंपनी के अलावा और कोई नहीं आ सकता ओके okay. कौन सी पब्लिक कंपनी जिसकी पेड़ अप कैपिटल पेड अप कैपिटल पूरा लिख लेना बेशक लिखना हो तो पता लगा बाद में पोल्यूशन अंडर कंट्रोल पड़ रहे हो इसे तो पेड़ अप कैपिटल जिसकी 25 करोड़ रुपए से ज्यादा है वो कंपनी मेन बोर्ड के अंदर आती है वो पब्लिक कंपनी जिसकी अप कैपिटल अप टू रुपीज दस करोड़ तक है वो एस के अंदर आती है अच्छा फिर मैं कहता हूं सर जी सर जी एक बात बताइए कि वो कंपनियां जिनकी मोर देन टेन करोड़ है और अपू ट्वेंटी फाइव करोड़ तक है वो ऑप्शन है उनके पास ऑप्शन किस बात का या तो मेन बोर्ड पे या फिर एसएमई पे दोनों में से किसी में भी जा सकते हैं ये उनके पास ऑप्शन है कि वो कुछ भी करें पब्लिक कंपनी कैन बी एनालिस्टेड कंपनी ये चलिए आगे बढ़े अब आता है आईटीपी सवाल उठा प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन में लिखा है कि प्राइवेट कंपनी कभी भी पब्लिक ऑफरिंग नहीं कर सकती इसलिए मेन बोर्ड और एसएमई पे वो नहीं आ सकती बट प्राइवेट कंपनी अपनी कैपिटल कैसे रेज करती है इसका कॉन्सेप्ट जो है वो कहलाता है प्राइवेट प्लेसमेंट यानी कि प्राइवेट कंपनी अपनी कैपिटल प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू रेज करती है और पब्लिक कंपनी भी प्राइवेट का प्लेसमेंट के थ्रू कर सकती है तो यानी कि बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनियां पब्लिक पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ये मनी रेज कर सकती हैं मनी रेज्ड थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट अब होता क्या है प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं 200 कितने 200 अब 200 लोग अगर पैसा दे रहे हैं जैसे कि मेक माय ट्रिप की बात अगर करूं वहीं से एक कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था मेक माय ट्रिप को पैसे की जरूरत थी तो मेक माय ट्रिप ने पैसे के लिए फॉरेन इन्वेस्टर्स से बात की फॉरेन इन्वेस्टर्स ने कहा कि मेक माई ट्रिप जी हम आपको पैसा देने को तैयार हैं बट हमारी शर्त यह है कि आ, लिख लो पहले आराम से लिखते रहो इतना और कहानी को भी सुनते रहो मेक माई ट्रिप जी हम आपको पैसा देने को तैयार हैं परंतु हमारी शर्त यह है कि आप अपने आप को लिस्ट कराएंगे दे सेड वाई है ऐसा क्यों लिस्ट क्यों कराएंगे उन्होंने कहा इसलिए ताकि जब लिस्ट कराएंगे तो लिस्टिंग रेगुलेशन आपके ऊपर लगेंगी गाइडलाइंस आपके ऊपर लगेंगी सबी आपके ऊपर लगेगा और आपको ज्यादा से ज्यादा डिस्कलोजर करना पड़ेगा इसलिए बट मेक माई ट्रिप ने कहा इंडिया में तो प्राइवेट कंपनी की लिस्टिंग का कोई प्रावधान है नहीं तो उन्होंने कहा फिर पैसे नहीं दे सकते तो इन्होंने फिर एक बीच का रास्ता निकाला गया कि जहां पर मेक माई ट्रिप को न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करवाया गया न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होकर पैसा आया अब जेटली साहब थे उस टाइम फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने इस घटना को देखा और उन्होंने कहा कि यार ऐसे तो हमारी कई प्राइवेट कंपनियां होंगी जिन्हें प्राइवेट इक्विटी मिल सकती है परंतु प्राइवेट इक्विटी देने वालों की शर्त ये होगी कि भैया लिस्ट कराओ इसलिए आ नहीं रही होगी तो इन्होंने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जेटली साहब ने आईटीपी का इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का जिसके अंतर्गत अगर कोई कंपनी मान लीजिए प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू पब्लिक के पास नहीं गई परंतु प्राइवेट इन्वेस्टर्स से पैसा रेज कर रही है परंतु उन प्राइवेट इन्वेस्टर्स की यह शर्त है कि हम आपको पैसा तभी देंगे जब आप अपने जब अपनी सिक्योरिटीज को लिस्ट कराएंगे तो इस स्टॉक एक्सचेंज पर आप अपने आप को लिस्ट करा सकते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट वाली सिक्योरिटीज को भी यानी कि प्राइवेट कंपनियां भी यहां लिस्ट हो सकती हैं आंसर इज है यस चलिए ये कौन से सेक्शन में लिखा बेटा ये सेबी रेगुलेशन है से, जो मैंने समझाई आपको तो आप देखिएगा शब्द लिखे हैं वुमेन डायरेक्टर में सेकंड प्रोवाइज में शब्द क्या है लिस्टेड कंपनी तो लिस्टेड कंपनी का मतलब क्या क्या प्राइवेट कंपनी भी लिस्ट हो सकती है हाँ तो अगर प्राइवेट कंपनी लिस्टेड है तो क्या प्राइवेट कंपनी में वुमेन डायरेक्टर होगी लिस्टेड कंपनी का मतलब जिसकी कोई भी सिक्योरिटी लिस्ट हो तो क्या प्राइवेट कंपनी अगर लिस्टेड है तो क्या प्राइवेट कंपनियों में भी वुमेन डायरेक्टर होगी आंसर इज यस और नो आंसर इज यस और नो जल्दी बताइए आंसर इज यस तो अगर प्राइवेट कंपनी है और लिस्टेड है तो फिर वहां पे भी आपको वुमेन डायरेक्टर को अपॉइंट करना ही करना पड़ेगा ठीक होगी इतनी बात चले फिर आता है कई बार मान लीजिए वुमेन डायरेक्टर के ऑफिस में कोई वैकेंसी अराइज हो गई इंटरमीडिएट वैकेंसी या जिसे कैजुअल वैकेंसी कहते हैं तो मान लीजिए अगर मान लीजिए वुमेन डायरेक्टर के ऑफिस में कोई इंटरमीडियंट वैकेंसी अराइज हो गई तो क्या होगा इंटरमीडियंट वैकेंसी यानी कि कैजुअल वैकेंसी अराइज हो गई तो अब हम क्या करेंगे अगर वुमेन डायरेक्टर के ऑफिस में हो गई इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन इस बार आया हुआ है तो देखो जी लॉ कहता है कि कोई भी इंटरमीडिएट वैकेंसी या फिर कैजुअल वैकेंसी अगर वुमेन डायरेक्टर के ऑफिस में अपॉइंट हुई प्रोवाइडेड फर्दर्ट एट एनी इंटरमीडियंट वैकेंसी ऑफ अ वुमेन डायरेक्टर शेल बी फिल्ड बाय द बोर्ड तो बोर्ड उसे जल्दी से जल्दी फिल करेगा बट नॉट लेटर देन इमीजिएट बोर्ड मीटिंग बिल्कुल अगले वाली बोर्ड मीटिंग और थ्री मंथ्स ऑफ सच वैकेंसी विच एवर इज लेटर ये ध्यान रखना मैं कई बार सवाल पूछूंगा इसके ऊपर कई बार सवाल पूछूंगा आपके कई सारे टेस्ट होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टेस्ट होंगे जिसमें आप सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं डेट में देते रहूंगा इनफैक्ट हर तीसरी क्लास में आपका टेस्ट होगा ऑर्गेनाइज करूंगा क्लास के अंदर नहीं होगा एक्स्ट्रा क्लास के अंदर होगा लिंक आपको मिल जाएगा आप लोग लाइव पार्टिसिपेट कर सकते हैं वो इस क्लासेस के अलावा होगा चले तो आंखें रिकॉल आंखें बंद करके रिकॉल कीजिएगा कैजुअल वैकेंसी कोई भी वुमेन डायरेक्टर के ऑफिस में आराइज हुई तो कब तक फिल हो सकती है मैं कह सकता हूं जी बिल्कुल अगले आने वाली बोर्ड मीटिंग या फिर थ्री मंथ मन्, थ्री मंथ्स ऑफ सच वैकेंसी विच एवर इज हमें याद रहता है अर्लियर अर्लियर नहीं है यहां पर लेटर है यहां पर लेटर है विच एवर इज लेटर ठीक है और आगे बढ़ना शुरू करते हैं डायरेक्टर के बाद मेरे अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर आता हूँ फर्स्ट प्रोवाइजो और फिर उसका सेकेंड प्रोवाइजो अब हम आते हैं वन फोर्टी नाइन सबसेक्शन थ्री रेजिडेंट डायरेक्टर के ऊपर रेजिडेंट डायरेक्टर का मतलब क्या होता है रेजिडेंट डायरेक्टर क्या होता है देखो जी ऐसा है होता क्या था पहले लॉ मेकर क्या होते थे बड़े परेशान से रहते थे खासकर आरोसी साहब क्यों क्योंकि वो कंपनी को नोटिस इश्यू करते थे नोटिस का जवाब कोई देता ही नहीं था नोटिस का कोई जवाब नहीं देता था तो नोटिस वापस आ जाते थे और भाई साहब वो पुकारता रहता था एलो कोई है कोई सुनवाई नहीं हेलो कोई है कोई सुनवाई नहीं मैंने कहा कोई है कोई है ही नहीं तो फिर अल्टीमेटली आरओसी ने कंप्लेन ऊपर तक पहुंचाई है भाई, भाई हम लेटर भेजते रहते हैं साल साल दो दो साल तक लेटर के जवाब नहीं आ रहे क्योंकि कंपनी में कोई डायरेक्टर नहीं है क्यों क्योंकि कंपनी इंडिया में कोई डायरेक्टर नहीं है सारे विदेशों में बैठे जवाब ही नहीं दे रहे अच्छा तो फिर इसे देखते हुए लॉ मेकर्स ने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया लॉ में जिसे कहा गया रेजिडेंट डायरेक्टर और कहा कि हर कंपनी ऐसी तैसी कराओ कम से कम एक डायरेक्टर तुम्हारा ऐसा जरूर होना चाहिए जो कि इंडिया में रहेगा कम से कम 182 डेज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर हर फाइनेंशियल ईयर में कम से कम एक डायरेक्टर आपका इंडिया में जरूर रहेगा कम से कम 182 डेज के लिए अगर मान लीजिए कंपनी ड्यूरिंग द ईयर इनकॉर्पोरेट हुई है तो ड्यूरिंग द ईयर इनकॉर्पोरेट हुई है तो तो फिर प्रोपोर्शनेट देख लेंगे ठीक है जी फिर कहता है आई एफ एस सी प्राइवेट पब्लिक कंपनीज की चर्चा मैं सेपरेट करूंगा अभी यहां पर नहीं करूंगा सारे आई एफ एस सी कंपनीज के लिए अगर आप बुक अगर आपके पास बुक है तो आप देख रहे होंगे सबसे लास्ट में एक अपेंडिक्स दिया हुआ है वहां पर आई एफ एस सी की एग्जामिशन दी हुई है वहां पर जाके बात करूंगा ठीक है चलिए जी Uh, is later का लॉजिक क्या है प्रवीण जी देखो विच एवर इज लेटर का लॉजिक है केवल टाइम देने का वुमेन डायरेक्टर की अगर कैजुअल वैकेंसी हुई तो कैजुअल वैकेंसी होते ही अगर मैं कहता हूं कि अगले ही दिन मान लीजिए बोर्ड मीटिंग थी तो आपके पास टाइम कम है तो इसलिए आपको टाइम लिमिट दी गई है बस इसलिए विच एवर इज लेटर चले आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं <coughs> फिर आता है जी हमारा बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट जिसे अपन लोग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कहते हैं ओहो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पहले बताओ पर्पस क्या था इसे लाने का पर्पस था टू स्ट्रेंथन कॉरपोरेट गवर्नेंस कॉरपोरेट गवर्नेंस को स्ट्रेंथ करने के लिए लाया गया सत्यम स्केम आपके सामने हुआ भाई 1200 करोड़ रुपए की इनकम फर्जी रिकॉर्ड की गई जो कि नहीं थी रिकॉर्ड किया गया 1700 करोड़ के एक्सपेंडिचर अवॉइड किए गए एक तरफ इनकम नहीं थी दिखाई गई एक तरफ एक्सपेंडिचर थे नहीं दिखाए गए रिजल्ट ये हुआ प्रॉफिट बहुत ज्यादा आया शेयर होल्डर का कॉन्फिडेंस मेंटेन रहा वो कहते रहे आपस में ये दिस इज द राइट चॉइस बेबी अह खुश रहे बेचारे खुशी है शेयर होल्डर बहुत बहुत अच्छी कंपनी है जबकि कंपनी खोखली हो चुकी थी क्योंकि रामलिंगम राजू जी कंपनी का पैसा निकालकर अपने बच्चों की कंपनीज में मीटास इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मीटास रियल एस्टेट में लगा चुके थे काश कोई रोकने वाला होता उन्हें बड़े लेवल पे गलत डिसीजन मेकिंग हुई जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा पूरे के पूरे शेयर होल्डर्स को होटल लीला खबर फैली र्यूमर फैला कि ब्लैकस्टोन प्राइवेट इक्विटी फॉर्म वो आ रही है होटल लीला को टेक ओवर करने के लिए 2008 की घटना मैनेजमेंट ने डिनाई नहीं किया शेयर जंप कर गया लाइक एनीथिंग इंटरव्यू हुआ टॉप मैनेजमेंट का दे सेड यस वी आर इन द एडवांस डिस्कशन वी आर इन द एडवांस डिस्कशन विद द स्टोन भाई साहब शेयर और ऊपर और ऊपर धड़ाधड़ ऊपर काश कोई रोकने वाला होता नहीं था कोई ब्लैकस्टोन ने बाद में एक्सेप्ट किया कि उनकी कभी डिस्कशन ही नहीं हुई शेयर धड़ाम करके नीचे काश कोई इन्हें रोक लेता काश काश टॉप मैनेजमेंट पे जो गलत काम हो रहे हैं उन्हें रोका जाता इसी रोकने के लिए कॉन्सेप्ट लाया गया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ताकि जो टॉप लेवल की डिसीजन मेकिंग है उसको सही किया जा सके द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वॉज इंट्रोड्यूस मोटिव स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथन द केस लिए टू स्ट्रेंथन द कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन द कंपनी कैन ए कैजुअल वेकेंसी ऑफ वुमेन फिल्ड बाय द मैन ओ प्रभु दया करो ऐसी क्वेरीज मत लिखो खुद कॉमन कौ, सेंस खुद भी लगाओ मैं जेंडर चेंज कर दू अब ऐसा थोड़ा ना हो सकता है चलिए आगे बढ़ना शुरू करते हैं तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सेक्शन 149 फोर्टी सब सेक्शन फोर कौन सी कंपनियों में इसकी रिक्वायरमेंट है एवरी हाँ राणा कपूर साहब के एग्जांपल लिया जा सकता था मगर मैंने बताया कि किस लिए आया था तो वो उस टाइम के एग्जांपल बताया मैंने तभी हाँ जी एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी ओ माई गॉड इसका मतलब है कि क्या लिस्टेड प्राइवेट कंपनियों में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की जरूरत है हां या ना बजट में बेटा क्या आया है वो रेजिडेंट डायरेक्टर पे बताऊंगा डोंट वरी अभी आगे मत दौड़ो अभी आगे मत दौड़ो बजट में जो चर्चा हुई है उसकी बातें हम करेंगे बट फिलहाल अभी वो मे अटेम्प्ट के लिए अप्लीकेबल नहीं है नवंबर के लिए अलग अमेंडमेंट लिखवा दूंगा मैं हां जी जल्दी बताइए क्या लिस्टेड प्राइवेट कंपनियों में एप्लीकेबल है इसका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट इट सीम्स नो बट आंसर वुड बी येस जब हम पढ़ेंगे सेबी एलओडीआर के साथ पढ़ेंगे तो यहां पर मैं लिख देता हूं लिंक इट विद सेबी एलओडीआर तो सेबी एलओडीआर के साथ लिंक देखकर जब हम पढ़ेंगे तो आंसर वुड बी यस अभी लग रहा है नो no. कोई दिक्कत नहीं अभी नो no लगने दो चलते हैं कहता है एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी कम से कम वन थर्ड ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहेंगे ओके अदर पब्लिक कंपनीज की बात करूं तो टू हैव एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अगर अदर पब्लिक कंपनीज की बात करूं तो कम से कम दो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहेंगे कौन सी अदर पब्लिक कंपनीज में ये रूल नंबर चार के अंदर लिखा हुआ है रूल नंबर फोर बात करता है बहुत इंपॉर्टेंट रूल है बहुत इंपॉर्टेंट हर वो अदर पब्लिक कंपनी अदर पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल दस करोड़ या दस करोड़ से ज्यादा है टर्न ओवर सो करोड़ या सो करोड़ से ज्यादा है या जिसकी आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग लोन डेवेंचर डिपॉजिट पचास करोड़ से ज्यादा यहां पचास करोड़ या पचास करोड़ से ज्यादा नहीं है यहां पर मोर देन फिफ्टी करोड़ है ये बात ध्यान रख लेना ठीक है <coughs> तो दोबारा बोलता हूं एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसका कम से कम हर लिस्टेड पब्लिक कंपनी में कम से कम वन थर्ड ऑफ द डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहेंगे फिर बाकी बची पब्लिक कंपनियों में कम से कम दो डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहेंगे बाकी बची पब्लिक कंपनियां रूल नंबर चार कहता है रूल नंबर चार किसका बताया कोई भी रूल यूज होगा ऑफ कंपनी अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स रूल्स 2014. पूरे चैप्टर में कोई भी रूल यूज होगा तो उसका नंबर यही है ठीक है चले हाँ जी और और, तीनों में से कोई भी रिक्वायरमेंट आप पूरी कर दीजिए अप कैपिटल 10 करोड़ या 10 करोड़ से ज्यादा टर्न ओवर करोड़ या 100 करोड़ से ज्यादा आउटस्टैंडिंग लोन डिपॉजिट्स पचास करोड़ से ज्यादा ओके ओके आगे बढ़ना शुरू करते हैं अब कहता है जी ऐसा है कुछ कंपनियों में जरूरत नहीं है कुछ कंपनियों में जरूरत नहीं है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की पहला जॉइंट वेंचर कंपनी दूसरा डोरमेंट कंपनी तीसरा ओन सब्सिडरी कंपनी एंड फोर्थ आईएफएससी पब्लिक कंपनी तो इन चार कंपनियों में आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की आंखें बंद करके सोचिएगा डेंट कंपनी ऐसी कंपनी होती है जिसमें कोई बिजनेस नहीं होता सेक्शन 455 हम पढ़ेंगे जब बिजनेस ही नहीं है तो फिर टॉप मैनेजमेंट की कॉरपोरेट गवर्नेंस की देखने की जरूरत क्या है इसलिए डॉर्मेंट कंपनियों में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं होता सिंस नो बिजनेस नो बिजनेस ओके जॉइंट वेंचर कंपनियां ऐसी होती हैं जो किसी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए मिलती हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल एलएनटी और टाटा स्टील दोनों का जॉइंट वेंचर हुआ फॉर एग्जाम्पल टाटा और बिरला दोनों का ज्वाइंट वेंचर हुआ तो भाई साहब किसी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट और पार्टिकुलर पीरियड के लिए मिलती है पीरियड खत्म ऑब्जेक्ट खत्म कंपनी खत्म बस ये होता है जॉइंट वेंचर जब हमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर देखना है मेन कंपनी में फॉर एग्जांपल अगर मैंने एलएनटी के अंदर अगर एल के अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया और अब डिसाइड करता है कि मुझे टाटा के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट बनाना है तो एल के इस डिसीजन के अंदर वैसे ही इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का रोल होगा तो फिर अब जॉइंट वेंचर में मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट क्यों करूं लॉ कहता है जरूरत नहीं है बहुत अच्छा लॉ ने कॉन्सेप्ट लगाया फिर होली ओन सब्सिडरी कंपनीज होली ओन सब्सिडरी कंपनीज का मतलब क्या है फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं लिखना मत मॉन्डलीज जो है वो होल्डिंग कंपनी है किसकी कैडबरी की कैडबरी 100 परसेंट सब्सिडरी है मॉंडलीज की तो सोचिएगा ना मॉंडली कंपनी में कैडबरी के अंदर सारे शेयर्स किसके पास हैं मॉंडलीज के पास हैं मॉंडलीस के पास है तो क्या मॉन्डलिस की डिसीजन मेकिंग से पब्लिक प्रभावित हो सकती है नहीं जब पब्लिक में शेयर ही नहीं है कैडबरी में पब्लिक के पास शेयर ही नहीं है किसी और इन्वेस्टर का पैसा ही नहीं लगा हुआ तो फिर किस लिए तो इसलिए क्योंकि यहां पर कोई और इन्वेस्टर कैडबरी के अंदर है ही नहीं केवल है ही मॉन्डलीस तो फिर कैडबरी के अंदर क्यों अपॉइंट करूं मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्योंकि सारा डिसीजन तो लेने ही मॉन्डलीज ने बाप ने लेने हैं तो इसलिए जरूरत नहीं है आईएफएससी की एग्जामिशन फिर लास्ट में कराऊंगा ठीक है ना चले फिर कहता है प्रोवाइडेड डेट अगर कोई भी इंटरमीडिएट वैकेंसी अराइज हो इन द ऑफिस ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो वो कैसे फिल की जाएगी बिल्कुल वही नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और थ्री मंथ्स विच एवर इज लेटर सेम एज वुमेन डायरेक्टर हो गया चलिए आगे कहते हैं अच्छा इन क्लासेस के बाद आपको पढ़ना कैसे है बाद में मैं बताऊंगा वो भी चिंता मत करो सुन लेना फिर कहता है जी प्रोवाइडेड डेट इन केस अ कंपनी कवर्ड अंडर दिस रूल इज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट अ हायर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ड्यू टू कंपोजिशन ऑफ इट्स ऑडिट कमिटी ओहो ऑडिट कमिटी सेक्शन सेक्शन वन सेवेंटी सेवन ऑडिट कमिटी का है क्या कहता है सुन लेना वो कहता है ऑडिट कमिटी शेल कंसिस्ट ऑफ मिनिमम थ्री डायरेक्टर्स जिसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मेजोरिटी में होंगे ऑडिट कमेटी में कम से कम तीन डायरेक्टर रहेंगे जिसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मेजोरिटी में रहेंगे अच्छा अब पैरा दोबारा पढ़ता हूं प्रोवाइजो कहता है प्रोवाइडेड डेट कंपनी कवर्ड अंडर दिस रूल दिस रूल मतलब रूल नंबर चार इज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट अ हायर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ड्यू टू कंपोजिशन ऑफ इट्स ऑडिट कमेटी ये प्रोवाइजो केवल लिस्टेड कंपनी के लिए नहीं है ये अदर देन लिस्टेड कंपनी के लिए जो रूल में कवर हो रही है ठीक है ना नॉट एप्लीकेबल फॉर लिस्टेड पब्लिक कंपनीज तो सर उनके ऊपर कैसे चलेगा उनके ऊपर ये प्रोवाइजो नहीं लग रहा क्योंकि उनके लिए ना सेबी एलओडीआर लगेंगे अभी करवाऊंगा सेबी एलओडीआर डोंट वरी

अनलिस्टेड कंपनी है बारह डायरेक्टर इन ऑडिट कमिटी है सात बताइए कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रिक्वायर्ड है वन फोर्टी नाइन सबसेक्शन फोर में कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रिक्वायर्ड है सोचो सोचो पहले आसान से लेवल का सोचते हैं सात सात में से मेजोरिटी कितनी बनी रिक्वायरमेंट अंडर सेक्शन 177 सेवेंटी सेवन चार ठीक है रिक्वायरमेंट अंडर सेक्शन 149 फोर्टी नाइन सब सेक्शन फोर प्लस रूल नंबर चार कितनी बनी दो तो मैं आप कितने अपॉइंट करूं दो या चार क्योंकि रूल कहता है भाई मिनिमम दो चाहिए तो मैं दो करूं ये चार द आंसर इज चार चार क्योंकि ऑडिट कमेटी में रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो आपको वो ज्यादा रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेगी कोई दिक्कत चले फिर आइए अगला प्रोवाइजो पढ़ते हैं अगला प्रोवाइजो क्या कहता है कहता है प्रोवाइडेड अ कंपनी फुलफ़िल एनी ऑफ़ थ्री कंडीशन डाउन इन सब रूल नंबर वन रूल नंबर चार रूल नंबर चार की अगर तीनों कंडीशन आप पूरी नहीं कर पाए थ्री कंडीशन पूरी नहीं कर पाए फॉर थ्री ओके ओके इट शेल नॉट बी रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विदीज प्रोविजन अंटिल सच टाइम एज इट मीट्स एनी ऑफ सच कंडीशन मैं चाहता हूं एक बार दोबारा पढ़े अपने आप पढ़ें <coughs> अगर कंपनी ये तीनों के तीनों रिक्वायरमेंट पूरी ना कर पाई लगातार तीन साल तक तो फिर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है ओके ठीक है चलो देख लेते हैं इस प्रोवाइजो के ऊपर सवाल बना है ये आ जाइएगा डिसाइड अबाउट द रिक्वायरमेंट टू हैव एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन दो हजार बीस इक्कीस फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ जेड लिमिटेड इज एन अनलिस्टेड कंपनी फाइनेंशियल ईयर सोलह सत्रह अप कैपिटल पांच करोड़ टर्न ओवर एक सौ बीस करोड़ आउटस्टैंडिंग लोन चालीस करोड़ सत्रह अठारह छह करोड़ नब्बे करोड़ तीस करोड़ अठारह उन्नीस उन्नीस बीस डिटेल आपके पास दी हुई है बीस सेकेंड आपके पास गो थ्रू कर लीजिए क्वेश्चन को अब आगे वेन द रिक्वायरमेंट टू अपॉइंट अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शेलर राइस जब मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए लिमिट देखता हूं टर्न ओवर की पेड अप कैपिटल की तो कौन सी फिगर देखनी है मुझे लास्ट ऑडिटेड लास्ट ऑडिट ठीक है हम्म, लास्ट मतलब अब मैंने 16-17 देखा तो मैंने 16-17 को देखकर मैंने कहा टर्न ओवर एक करोड़ हो गई तो रिक्वायरमेंट अराइज हो गई यस कौन से ईयर में पहली बार इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे कौन से ईयर में पहली बार इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आप अपॉइंट करेंगे 16-17 तो बेटा आपने पढ़ा 16 16-17 का ऑडिट हुआ उसके बेसिस पे आपने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट किया पहली बार कहा 17-18 में आंसर है 17-18 क्योंकि लास्ट ऑडिट ऑडिट फाइनेंशियल को देखकर आपने अपॉइंट किया फिर देखिए 17, 18 में रिक्वायरमेंट कोई पूरी हो रही है नहीं रिक्वायरमेंट ऑफ रूल नंबर चार कोई भी पूरी हो रही है नहीं यहां पर नहीं यहां पर नहीं लगातार तीन साल तक नहीं हो रही है। तो अब वट वुड बी योर व्यू ऑफ द कंपनी वॉन्ट टू डिसकंटिन्यू द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन नाइनटीन ट्वेंटी क्या कंपनी 1920 में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की सेवाओं को माफी दे सकती है माफी ले सकती है कि नहीं हमें नहीं चाहिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं ले सकती उन्नीस बीस में तो नहीं ले सकती आंसर इज नो दे हैव टू कंटिन्यू विद इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंटिन्यू करना पड़ेगा यू डोंट हैव ऑप्शन। बट क्या यही बीस इक्कीस में डिसकंटिन्यू कर सकती है कंपनी क्योंकि लगातार तीन साल होने के बाद सत्रह अठारह अठारह उन्नीस उन्नीस बीस होने के बाद अब बीस इक्कीस में टाटा बाय बाय कर सकते हो बीस इक्कीस में टाटा बाय बाय कर सकते हो यस यस बीस इक्कीस में आप टाटा बाय बाय कर सकते हो तो लिख लीजिएगा

चले आगे बीस इक्कीस में जरूरत नहीं आप उसे वेकेट करवा सकते हो वंस एप्लीकेबल फॉर एवर एप्लीकेबल फालतू के रूल नहीं लगते बेटा ये हाँ जी अगला क्वेश्चन कहता है एनालिसिस के अंदर ही कि कंपनी रिक्वायर्ड टू हैव अ वूमेन डायरेक्टर एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बोथ हैव अपॉइंटेड मिसेस शांति एज वुमेन डायरेक्टर हु आल्सो फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ हैविंग द वुमेन डायरेक्टर एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आपको बताना है क्या ये अलाउ है मतलब एक डायरेक्टर वुमेन भी है प्लस इंडिपेंडेंट भी है क्या दोनों रिक्वायरमेंट एक ही डायरेक्टर से पूरी कर सकते हो हा या देश आहुजा जी प्लीज ये क्वेरीज मत दीजिए हाँ जी हां या ना द आंसर इज यस यस yes. आगे बढ़ते हैं फिर कहता है वेदर अ प्राइवेट लिस्टेड कंपनी नीड टू हैव एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मैं कहूंगा रेफर कीजिएगा सेबी एलओडीआर को सेबी एलओडीआर को रेफर करेंगे हम सेबी एलओडीआर को रेफर करेंगे ठीक है जी बस आज की क्लास यहीं तक सुन लीजिएगा पहले पूरी सुन लीजिएगा क्योंकि आज पहली क्लास थी आप लोगों में कईयों के पास असाइनमेंट नहीं है कईयों के पास बुक नहीं है एक क्लास का मैं टाइम दे रहा हूं आप लोग प्रिंटआउट लेना चाहते हैं प्रिंटआउट ले लीजिए वेबसाइट से ऑर्डर करना चाहते हैं वेबसाइट से ऑर्डर कर दीजिए जो भी आपके लिए सूटेबल होगा वैसे कर दीजिए अगली बात मैं इस क्लास को दो पार्ट्स में रखूंगा एक तो वो लेक्चर्स जो कि कंप्लीटली ब्लॉक्ड रहेंगे जैसे अभी जो लेक्चर लिया वो वो कंप्लीटली ब्लॉक्ड रहेगा और एक वो टॉपिक जो मैं अनब्लॉक्ड करूंगा मतलब ओपन कर दूंगा आपके लिए बहुत ज्यादा टेक्निकलिटी वाले जो सेक्शन होंगे वो मैं अनब्लॉक कर रहा हूं आपके लिए वन फोर्टी नाइन सबसेक्शन सिक्स उनमें से एक सेक्शन है जो कि मेरा अगला सेक्शन था इस सेक्शन का लिंक मैं आपको दे रहा हूं कहां दे रहा हूं टेलीग्राम पे मेरे टेलीग्राम का चैनल का लिंक आप नीचे देख रहे होंगे आ रहा होगा वहां देख सकते हैं लाइव क्लास होगी इसके लिए अनब्लॉक रहेगा मतलब आपको मैं लिस्ट बना के पूरी दे दूंगा ये, ये अनब्लॉक सेक्शन है और जितने भी टेक्निकल सेक्शन है जहां आपके भूलने की संभावना है वो मैं सारे अनब्लॉक करके दे रहा हूं लाइव क्लास में लूंगा इसके ऊपर कल सुबह 8:30 थर्टी एम लिंक मैं आपको टेलीग्राम पे अभी दे देता हूं बनाकर लिंक अभी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर सुबह साढ़े आठ बजे मैं केवल 149 फोर्टी नाइन सबसेक्शन सिक्स के ऊपर डिस्कशन करूंगा फिर मैं कल की क्लास में नहीं करूंगा डिस्कशन लाइव क्लास में क्योंकि मैं वहां पे डिस्कशन कर चुका हूंगा अगली बात जो बच्चे रिकॉर्डिंग देख रहे हैं वो क्या करेंगे तो बेटा आप तो वैसे रिकॉर्डिंग देख रहे हो जब आप मॉर्निंग में रिकॉर्डिंग देख रहे हो ना तो कोई दिक्कत नहीं आपको फिर क्लास के बाद मैं लिंक दे दूंगा जो हम सुबह डिस्कशन करेंगे क्योंकि वो लिंक ओपन है तो आप कभी भी देख सकते हो फिर बट जो लाइव में, में मेरे साथ देख रहे हैं मैं कहूंगा रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर इस बैच के थ्रू आप लॉ में कुछ करना चाहते हो एग्जाम के अंदर जाकर तो लाइव रहना एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा बुक के अंदर एनालिसिस आपको कैसे लगा अभी तो शुरुआत है बट बुक के अंदर जो एनालिसिस बने हुए हैं वो कैसा लगा चलिए कलर बुक मिलेगी <laughs> इसको कलर करवा दो चले तो कल एक घंटे की क्लास होगी केवल ओनली वन आवर एट थर्टी टू नाइन थर्टी लिंक मैं अभी दे रहा हूं बिल्कुल अपने टेलीग्राम चैनल पर जो लाइव कर रहे हैं मैं रिक्वेस्ट करूंगा लाइव ही करना बट फिर भी अगर ना पाओ तो बाद में देख लेना बस यही कह सकता हूं मैं इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि यहां पर अगर मैं अभी कराऊंगा ना तो फिर मैं अनब्लॉक नहीं कर पाऊंगा तो इसलिए मैं इस सेक्शन को अनब्लॉक करना चाहता हूँ ताकि आप कभी भी रेफर कर सके थैंक यू यूक्स अलॉट आज की क्लास यहीं तक कल हम सेक्शन 150 से शुरू करेंगे 150 से क्योंकि 149 सब सेक्शन कल पूरा मतलब इनफैक्ट में वन फोर्टी भी खत्म कर दूंगा कल थैंक यू थैंक्स अलॉट बाय बाय टेक केयर खुश रहो खुश रहो कल पूरे 9:15 पे हम लोग मिलेंगे 9:15 मतलब थैंक यू बाय बाय